बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम रीत सलीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्मल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने द बीस्ट की सेकंड एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉर्मल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आए पढ़ते हैं सेकंड एपिसोड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं पहले बिफोर टाइम कर रही हूँ इसको रिकॉर्ड। तो इस तरह से है कि मैं आप लोगों के कमेंट सेशन वाला, इस नॉवल में कमेंट सेशन वाला सेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो पढ़ते हैं नॉवल की सेकंड एपिसोड। वो सॉम को थप्पड़ मार तो आई थी, लेकिन बॉडीगार्ड का क्या करती, जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वो जितना तेज़ चलती वो भी इतनी तेज़ी से कदम उठाने लगते। वो जहाँ चाहती वो 5 फुट की दूरी पर जाकर खड़े हो जाते। लेकिन इन सॉम ने इसके पीछे लगाए थे, दूसरी तरफ गुस्से से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो चाहकर भी इन लोगों को मना नहीं कर पाती और ना ही इनसे दूर हो पाती। इन लोगों से भागने के चक्कर में वो जैसे दूसरी गली की तरफ मुड़ी से एक भिखारी ज़मीन पर बैठा हुआ नज़र आया, जो कि अपने आपको पूरी तरह चादरनुमा कंबल में कवर किए हुए था। वो भी इसी के साथ बैठकर इसी की चादर को ज़बरदस्ती अपने गेट खिलाकर इस चादर में छुप गई, जबकि दूसरे आदमी को बोलने का मौका दिए बगैर इसके हाथों में चिन्ह नोट पकड़ा दिए। प्लीज़ खामोशी से बैठो, मेरे पास कुछ लोग लगे हैं, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं इनसे छुप रही हूँ, प्लीज़ खामोश रहो, कुछ बोलना मत, ये पैसे तुम्हारे, वो तुर्किश में इससे कहने लगे। जबकि दूसरा आदमी भी खामोशी से देख कर बैठ के जैसे इसका काम हो गया, जबकि इसके दिए पैसे अपने हाथ में दबा लिए। थोड़ी देर में बॉडी गार्ड हर तरफ इसे तलाश करने लगे, फिर इसके करीब से गुजर कर आगे चले गए। जैसे ही नहीं यकीन था कि वो भीख तो हरगिज़ नहीं मांगेगी, खुदा का शुक्र है जान छुटी इन कमीनियों से, वो उर्दू में बढ़ रही। इनकी ज़्यादा इसे झटका लगा, क्योंकि वो शख्स ने इसे धक्का मार कर खुद से दूर कर उठ कर खड़ा हो गया। लेकिन ये क्या, यहाँ एक भिखारी की जगह एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान इसके सामने खड़ा था। शायद ही इससे पहले इसने इस कदर हसीन जवान देखा होगा, जबकि अगले ही पल इसके मुंह के ऊपर इसके पैसे मार चुका था। ओए, तुम्हें तमीज़ नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया? तो दिया कैसे? वो इंतहाई इसे तुर्क जुबान में बोली। वो इसकी सहरंगेज़ पर्सनैलिटी से फौरन नज़रें चुरा गई थी। अपनी बकवास बंद करो, मुझे उर्दू आती है, वो भी तुमसे बेहतर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह से मेरे से कंबल में घुसने की? वो इंतहाई गुस्से से इसी पर चढ़ दौड़ा, जबकि वो जो पहले इसकी पर्सनैलिटी को देख रही थी इसकी उर्दू जबान पर तो बिल्कुल ही हैरान होगी। लेकिन वो भूली नहीं थी कि ये एक भिखारी है। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह से बात करने की? भिखारी कहेंगे तुम्हें तुम्हारी कीमत दे चुकी हूँ, अगर और चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें ऐसे हज़ारों कंबल खरीद कर दे सकती हूँ। मुझे मदद की ज़रूरत थी इसलिए तुम्हारे कंबल को ले लिया, वरना तुम्हें ऐसी गंदी चीज़ों को छूती तक नहीं। इसे लगा कि इस जगह अपनी हैसियत बताना बहुत ज़रूरी है। ये भिखारी खुद को कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ समझ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे भिखारी कहने की? अगर मैं सड़क पर सो दूँ तो क्या तुम मुझे भिखारी कहोगी? होगी तुम बहुत अमीर, लेकिन मदद के लिए तुम्हें यही कंबल काम आया, और ना वो तुम्हारे 1000 कंबल तो तुम खरीद सकती हो, वो तो नहीं आए अपने पैरों पर चलकर तुम्हारी मदद करने के लिए आई बड़ी मुझे भिखारी कहने वाली। उठाओ ये अपने नोटों के बंडल और निकलो यहाँ से, एक मदद के ऊपर से गले पड़ रही है, वो इंतहाई गुस्से से कहते इसे मजीद चढ़ा गया था। लेकिन इससे पहले कि वो इसकी बदतमीज़ी का जवाब मुँह तोड़ जवाब देती, वो बॉडीगार्ड वापस इसी तरफ आए थे। इसे इस पागल इंसान की मदद लेनी थी। देखो हम बाद में लड़ेंगे, पहले प्लीज़ मेरी मदद करो, ज़रा सा कंबल मुझे दे दो, मैं इस पर छुप जाती हूँ। देखो प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं बहुत सारे पैसे दूँगी, मेरा वाला तुम इसे, वो ऐसी लालच देते हुए बोली जबकि मैं इसके कंबल में छिपने की कोशिश करूँगी। अपने पैसे रखो अपने पास, मुझे ना तो तुम्हारी मदद करनी है और ना मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत है। वो तो किसी तरह इसकी मदद को तैयार ना था। प्लीज़ मेरी मदद कर दो, वो मिन्नतों पर उतरे। ये तरीका है मदद मांगने का। अब मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा, वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला। एक पल के लिए तो इसके चेहरे के नकूश में खोसी की, वो शख्स इतना खूबसूरत कैसे हो सकते हैं? इसके जहन में फिर से एक सवाल है, जरूर पठान होगा, इसने दिली दिल में कहा। आई एम सॉरी, मेरी मदद कर दो, वो बोली जैसे इसके हिलावर कोई चारा ना हो। इसे कहते हैं ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बनाना। बड़बड़ाते हुए कंबल इस पर फेंक चुका था, जबकि कुछ ही देर में वो लोग इनके पास से गुजर कर आगे बढ़ गए, जैसे ढूंढ कर थक चुके हों। इनके जाते इसने सुकून का सांस लिया और कंबल को फेंकते हुए उठकर खड़ी होगी। जिस कंबल को फेंक कर उठी हो इससे ठीक से लपेट कर फोल्ड करके रखो, ये तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं बल्कि मेरे पैसों से, और मैंने वो पैसे बहुत मेहनत से कमाए। वो जैसे इससे इस चीज़ की अहमियत का एहसास दिलाना चाह रहा था, जबकि आयशा को तो इसकी बातों पर मजीद गुस्सा आ रहा था। अल्लाह ने जितनी प्यारी शक्ल थी वो जबान से इतना ही जहर उगलता था। इसने अपनी जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे हाथ में उठाकर इसके हाथ में थमा दिए। मदद के लिए शुक्रिया, नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम, तुम्हारी तकरीरें सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ मैं यहाँ, वो गुस्से से कहते हुए धक्का देकर जाने लगी। लेकिन सामने वाला शायद इतनी आसानी से बख्शने के मूड में नहीं था, तभी तो उसका हाथ थाम कर ज़मीन से कंबल उठाकर इसके हाथ में पकड़ा दिया। मेरी मदद की कीमत है कि तुम जिस चीज़ को इस्तेमाल करो इसकी अहमियत को जानो और इसे सही जगह पर रखो। अब इसे फोल्ड करो, जहाँ से उठाया था वहीं रखो, और ये पैसों का रोब किसी और पर जमाना, उठाओ अपने पैसे यहाँ से। तुम्हें शायद इनकी अहमियत का एहसास नहीं होगा, लेकिन ये पैसे तुम्हारे बाप ने शायद बहुत मेहनत से कमाए। लिसन, तुम्हें मेरे बाप का ज़रा हमदर्द बनने की ज़रूरत है, और तुम्हारी मुलाजमगिरी करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और ना ही आयशा चौधरी ने कभी ये काम किया, सो गुड बाय। अपना हाथ चढ़ाते हुए अपने असली एटीट्यूड अंदाज में, अगर आयशा चौधरी ने कभी ये काम नहीं किया तो ताहा बुखारी ने भी बहुत लोगों सीधा किया।
आयशा चौधरी को भी कर देगा, बहुत ढीठ लोग देखे, तुम भी इनमें से एक हो। लेकिन इस वक्त तुम्हारा ढीठपन ख़त्म करने का मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। दोबारा मुलाकात होगी और ये मेरा एहसान तुम पर कर्ज़ है और मैं कर्ज़ वापस ज़रूर लेता हूँ। वो इसका हाथ छोड़कर अपने दोनों कंबल खुद ही लपेट कर वहाँ से निकलता चला गया, जबकि आयशा के दिए पैसे वहीं ज़मीन पर पड़े थे। अजीब आदमी है। आयशा गुस्से से कहती ज़मीन पर पड़े अपने पैसे उठाने लगी, लेकिन वही पास बांसुरी पड़ी देखी, क्योंकि इस आदमी की थी। तो जनाब बांसुरी बजाते हैं और एटीट्यूड तो ऐसे जैसे शहजादा चार्ल्स हो। क्या कहा था तुमने? कर्ज तुम्हारे कर्ज तो मैं चुका ही दूंगी तुम्हारी बांसुरी वापस करके मिस्टर ताहा बुखारी। पिछले 3 दिन से मुसलसल पार्सल रिसीव हो रहे थे और हर पार्सल में बेशुमार तस्वीरें हुआ करती थी। शुरू शुरू में वो जान से खौफजदा रहती थी, लेकिन अब न जाने क्यों इसके खत को पढ़ने के लिए बेचैन रहती। हर खत में बेशुमार चाहतों का इजहार होता, गैर राजी तौर पर भी चांद के पार्सल का इंतजार करती थी। वो सुबह कॉलेज जाती तो कॉलेज में एक पार्सल मिलता, शाम वापस हॉस्टल आती तो हॉस्टल में एक पार्सल होता। वो कोई बहुत हसीन लड़की तो ना थी, क्यों कोई इस तरह से इसका दीवाना हो जाए। जाना ने जैसे कॉलेज में कदम रखा, पियर ने भागते हुए आकर एक पार्सल पकड़ाया। इस पार्सल को लेते हुए वो परेशान हो चुकी थी, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा जान इसके लिए तो भेजता था। तो यकीनन ये पार्सल भी इसी ने भेजा होगा। इसने जल्दी से पार्सल खोला, रोज़ की तरह आज भी इसमें बेशुमार तस्वीरें देखी, मगर लेकिन इसके रूम की कभी कोई किताब पढ़ते हुए कभी मोबाइल यूज़ करते हुए इसके हर मोमेंट की बेशुमार तस्वीरें, और हर बार की तरह इस बार भी एक खत मौजूद था। माही मेरी जाना, मैं अपना नाम देखने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, ना कि डरी हुई। जाना मैं कोई गैर नहीं हूँ, जाना मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारा जान। मैं बेतहाशा चाहता हूँ तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए हर हद पार कर सकता हूँ। जाना मैं तुम्हारा जान हूँ, प्लीज़ मुझसे इस तरह से खौफजदा मत हो। तुम्हारे चेहरे पर ये डर ये खौफ देखकर मुझे दुख होता है। मैं तो अपने नाम से अभी मुस्कुराहट कर तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जहाँ मेरा नाम आए मेरी जाना खुश हो जाए, इसके ख्याल का वो प्यारा सा डिम्पल मेरे नाम पर खिले। प्लीज़ जाना मुझसे इस तरह से मत डरो, मैं तुम्हें बेइंतहा चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें मेरी जितनी मोहब्बत कर सके, तो मैं मेरी जितनी चाहत दे सके। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जान ही तुम्हें वो प्यार मोहब्बत दे सकते जिसकी तुम हकदार हो। मैं बहुत जल्द आऊँगा तुमसे मिलने के लिए, मुझसे मिलोगी ना जाना। वो इसकी तहरीर पढ़ती जा रही थी, खूबसूरत अल्फाज में हर जगह इसका नाम था, इसके खत से वो इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा रही थी। तो क्या मैं बेकार में इससे खौफ सदाऊँ? वो तो सिर्फ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान को अपनी पसंद का इजहार करने का हक है, इसके दिल ने कहा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल है, लेकिन छुप छुपा कर नहीं। अगर वो मुझसे प्यार करता तो मेरे सामने आए, इसका दिल कुछ और दिमाग कुछ और कह रहा था। मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ जान, मैं बस तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं इस छुपन छुपाई से थक चुकी हूँ जान, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम कौन हो? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे सामने हो। मोहब्बत भला इस तरह से छुप छुपा कर थोड़ी ना होती है। वह आहिस्ता लाइब्रेरी की तरफ जाती मुसलसल जान को सोचती थी, जबकि जो हर एक पल इसी पर नज़र रखे हुए थे, इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखकर मसरूर था, क्योंकि आते जाते रंग सिर्फ और सिर्फ इसी के नाम के थे। अच्छा जी, आर्यन इस वक्त एक क्लब में मौजूद था। अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई थी, इस सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं इस क्लब से जुड़ा हुआ था, और ये वही क्लब था जहाँ पर 20 साल पहले सिर्फ और सिर्फ एक वरान खंडर था। ये वही क्लब था जिसकी वीडियो से बीस्ट ने भेजी थी। ये तो समझ चुका था कि जो भी होना है वो इसी होटल के इसी क्लब में होगा, और इस लड़की का ताल्लुक भी कहीं ना कहीं इस जगह से होगा। इसका नाम सनम का था और इसे यकीन था वो लड़की से यहीं पर मिलेगी। लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वो इस लड़की सनम तक नहीं पहुँच पाया जिसे वो ढूंढ रहा था, क्योंकि वो इसके चेहरे से नावाकिफ था। रात के 2 बजे हर तरफ शोर शराबा था, क्योंकि ऊपर के कमरे में एक लड़की की लाश मिली थी जिसका नाम सनम था। आए लो मां सदके जाए, आर्यन साहब तो सिलाबदे रबो थे ओने काम पाता जे। और इस लड़की की हालत भी इतनी ही नाकाबले दी थी जितनी कि पहली लड़की की, मतलब कि बीस्ट अपना काम करके जा चुका था। लड़की की एक आंख निकाली गई थी, जबकि हाथ की सारी उंगलियों को अलग अलग काट कर रखा गया था। यकीनन इस शख्स में रहम नामी कोई चीज़ नहीं थी, अगर होती तो लाश की हालत इतनी ख़राब ना होती। कोई जानवर को भी इस तरह से ज़िवा नहीं करता जितनी बुरी तरीके से इसने लड़की का गला काटा था। मिस्टर बीस्ट, मेरी नज़र में ये लोग गुनाहगार नहीं, असल गुनाहगार तुम हो जो रहमनामी शह से बेखबर है। अब से मेरा मकसद इन लोगों के गैंग को ढूंढकर इनके गुनाह का पता करना नहीं, बल्कि तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे असल मुकाम तक पहुंचाना है। इस दुनिया में सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म होना चाहिए वो तुम जैसा दरिंदा है, और मैं बहुत जल्द तुम तक पहुंचकर तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। लाश को फ़ौरन लैब में भेज दिया गया था। परेशान मत हो आर्यन, बहुत जल्द कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। डीएसपी सर अपनी इस जगह को चेक करते हुए इसके साथ साथ ही रूम से बाहर आए। कब सबूत मिलेगा सर? हमारी टीम बहुत स्लो काम कर रही है, वो बीस्ट हमसे बहुत आगे, बहुत ज़्यादा आगे, हम इतनी आसानी से इस तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो परेशानी से बोला। छोड़ दो इन सब बातों को, चलो एक कप चाय पीते हैं, होटल के एक टेबल पर बैठते हुए इसने कहा। सर आई एम सॉरी, मैं ऑन ड्यूटी हूँ, मुस्कुराते हुए माजरत कर गया। हाँ हाँ हाँ, बट खुरदार मैं भी तो ऑन ड्यूटी हूँ। याद है वो लड़की मिली तुम्हें जिसे बस में देखा था तुमने? वो इनसे पूछने लगे लैब के मनाफी में सर हिला गया। चलो कोई बात नहीं, इसके साथ साथ अपनी लाइफ पर भी ध्यान दो, वो इसे बताया था जब बेटर ने चाय का कप इनके सामने ला कर रखा। इन्हें चाय में मसरूफ देखकर एक बार फिर से इस कमरे की तरफ आ गया। आर्यन बेटा, यहाँ मार्केट के करीब गाड़ी रोकना, मुझे कुछ काम है, डीएसपी सर ने इससे कहा। सर खैरियत तो आपको कुछ चाहिए? वो इसे मार्केट के बाहर गाड़ी खड़े करने का कह रहे थे, वो इन्हें घर छोड़ने जा रहा था।
हाँ बेटा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम है। कल मेरी बेटी यहाँ से शॉपिंग करने आई थी तो एक शॉपिंग बैग इसके साथ आ गया था, शायद दुकानदार की गलती की वजह से वही वापस करना है। इन्होंने से मुकम्मल बात बताई। कल तो इसने इस लड़की के लिए एक्स्ट्रा शॉपिंग भेजा था जिसमें वो हिजाब था, इसने याद किया। मैं ज़रा वो शॉपिंग बैग वापस करके आता हूँ, पता नहीं किसका होगा, मैं देकर आता हूँ, फिर घर के लिए निकलते हैं, वो गाड़ी से बाहर आते हुए कहने लगे। लेकिन इससे पहले वो गाड़ी से निकल कर उनके सामने आ गए। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्स्ट्रा शॉपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग मैंने भी किसी को दिया था, यकीन ये वो शॉपिंग बैग नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो। माँ सदके जाए, इदा भी कोई होता जरा स्पीडा मार के सारा कुछ ही वेह लेंदा, गलत फहमी ना रविए। कल यहाँ वो लड़की आई हुई थी जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैंने बस में देखा था, इसके लिए मैंने एक हिजाब खरीदा था और इसके शॉपिंग बैग्स में दुकान को शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन कहीं वो ये वो शॉपिंग बैग तो नहीं, एक ही मार्केट में एक ही दिन एक ही वाक्य दो बार तो नहीं हो सकता, इसलिए वो पूरी बात इन्हें बताने लगा। तो वो तुमने किया, वो इससे हैरत भरे अंदाज में पूछने लगी। जी सर, कल वही लड़की एक हिजाब पसंद करी थी लेकिन खरीदा नहीं, इसलिए मैंने इसके लिए वो खरीद कर इसके शॉपिंग बैग में ऐड करवा दिया। वो कुछ शर्मिंदा से लग रहा था। कुछ दिन पहले इन्हीं के घर में वही इनकी बेटी से शादी से इनकार कर चुका था और आज इत्तेफाक ऐसा था कि जिस लड़की को वो जानता तक नहीं था, इसी की मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार होकर एक तरह से वो इनसे जा मिला था। लेकिन इस दिन इसने इनकी बेटियों को देखा था, हाँ लेकिन सिर्फ आयमा और तायबा को तो देखा था, ये अरिशफा के बारे में बात कर रहा है, वो इसे देखते हुए सोचने लगे। तो क्या वो ये जानता कि अरिशफा गूंगी है? वो बोल नहीं सकती। इस लड़की का नाम क्या है? वन जान बने पूछने लगे। आर्यन को कुछ अजीब लगा, वो खुद ही से बता रहे थे कि कल इनकी बेटी शॉपिंग पर आई थी ये, और इनके पास वही हिजाब वो बैग भी था, और अब इससे अपनी बेटी का नाम पूछ रहे थे, वो इनके हाथ से बैग लेके भी देख चुका था, इसमें वही हिजाब भी था। सर आपकी बेटी, आप इसका नाम बेहतर जानते होंगे, वो हमेशा से साफ बात करने का आती था, जबकि वो इनकी बेटी को पसंद करता था, वो भी यही चाहते थे कि इनका दामाद बने, तो इस तरह क्यों बन रहे थे? क्या जानते हो इसके बारे में? वो फिर से पूछने लगे। इनकी बात पर आर्यन मुस्कुराया था। सर मैं तो इसका नाम तक नहीं जानता, इसके अलावा एक लड़की मुझे पसंद आ गई, मैं इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, बस मैं और कुछ नहीं जानता, आगे सब कुछ आपने करना है, सब आपकी जिम्मेदारी की, जैसा आपने वादा किया था। इसका तो जैसे सबसे बड़ा मसला हल हो चुका था, जिस लड़की को तक वो जानता तक नहीं था, आज वो इसी के बॉस की बेटी थी, वो भी ऐसे शख्स की जिन्हें वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करता था, भला इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है इसके लिए? देखो आर्यन, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, दरअसल बात सर मैं बस इतना जानता हूँ कि इसको पसंद करता हूँ, अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझ पर एतबार कीजिए, इसे देखते मैं मोहब्बत कर बैठा, जबकि सच तो ये है कि मैंने अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा, कल तक मैं बहुत परेशान था कि शायद वो लड़की मुझे कभी मिलेगी भी या नहीं, लेकिन आज ये जान के वो आपकी बेटी अब सारी परेशानी दूर होगी। सर मैं इसका ख्याल रखूँगा, सर प्लीज़ मेरी बेसुकूनी को करार दे रहे, इस परेशानी को ख़त्म कर दे, सर मैं इसे बेतहाशा चाहता हूँ, मैं इसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये शायद वो खुद मैं खुद भी नहीं जानता, हाँ लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे अपनी ज़ात से भी इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी कि इस लड़की से, बस इसे आप ही मेरी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, मैं जानता हूँ कि आप मुझे इनकार नहीं करेंगे, इसने मुस्कुराते हुए इनके हाथों को थामा, इनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। पहले सुन तो लो भी की कहना, पे एक मैंने इदा के बंदे बड़े जहर लगते कि जो अगला बंदा तुम्हें कुछ दसना चाह रहे थे तुम सुन नहीं रहे, बाद तुम लोगों ने तड़फना होंगे। हिजाब वापस लौटाने की बजाय वो इसके साथ घर वापस आ गए थे, रास्ते में इन्होंने कोई बात नहीं की और आर्यन भी इनके चेहरे पर परेशानी देख रहा था, इसी परेशानी की वजह से इसने इस लड़की का नाम तक नहीं पूछा था, न जाने क्या वजह थी, चाहे जो कल तक इसे अपना दामाद बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, आदित्य खामोश और परेशान थे। इसने हॉस्टल कदम रखा तो रोज़ की तरह आज एक और पार्सल इसका मुंतजी था, इसने मुस्कुराते हुए बैठ के जानी कदम उठा पार्सल को उठाकर खोल कर देखने लगी। रोज़ की तरह बेतहाशा तस्वीरें वहीं बेड पर लेटते मुस्कुराते हुए एक तस्वीर को देख रही थी। बस बहुत हो गया मिस्टर जान, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, ये छुपन छुपाई बंद करो, इसने मुस्कुराते हुए एक तस्वीर को देखते हुए और फिर आकर से इसकी मतलूबा चीज़ भी मिल गई, एक और खत। कितनी बेचैन हो मुझसे मिलने के लिए, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया छुपन छुपाई का खेल, अब आपने सामने बैठ कर मुलाकात होगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो ये मत सोचना कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, मैं साय की तरह मौत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा तुम्हें, मेरा होना होगा, तैयार हो जाओ अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम करने के लिए। खत खत्म हो चुका था जबकि अभी तक इसके लफ्ज़ों को गौर कर रही थी, कितना जरूर था इसके लफ्ज़ों में, कितना चाहता था वो इसे, वो इसकी मोहब्बत पर टूट कर यकीन करने लगी, इसका एक खिलाफ इससे अपनी मोहब्बत को बयान कर रहा था, इसका एक एक अल्फाज, वो दिन रात इसकी मोहब्बत में डूबती चली जा रही थी, पिछले 10 दिन से मुसलसल रिसीव होने वाला खतूत और पार्सल इसे इस पर यकीन करने पर मजबूर कर गए, जबकि वो तो जानती तक नहीं थी कि कोई है जो इससे इस कदर टूट कर मोहब्बत करता है कि सारी रात इसके करीब बैठकर इसका दीदार करता है कि कहीं से आधी नींद में भी कोई तकलीफ ना हो, कहीं कोई नींद में इसकी तकलीफ ना पहुँचाए, कोई 24 घंटे साय की तरह इसके साथ रहता है, लेकिन जाना तो शायद इसके साय से भी ना वाकिफ है, ना जाने कितने सालों से वो पल पल इसके साथ है, लेकिन इसके होने का एहसास सिर्फ इन 10 दिनों में हुआ था, इसने तो इसे पता तक नहीं चलने दिया कि वो इसे बरसों से जानता है, ना जाने कितने सालों से वो दिन रात इसके साथ है, लेकिन अब वक्त आ गया था कि जाना सब कुछ जान जाए, वो इसके साय से लेकर इसकी जात तक को पहचान जाए, अब वो वक्त आ चुका था वो इसके सामने आ जाए, वो वक्त आ गया था जब जाना को इससे मोहब्बत करनी थी, सारी दुनिया को ठुकरा कर सिर्फ और सिर्फ इसके साथ को कबूल करना था, सब कुछ छोड़कर इसके पास आना था, क्योंकि वो जानता था कि अब जाना को भी इसे मिलने का तजस्सुस है, वो भी इसे मिलना चाहती, इसे देखना चाहती, वो भी जानना चाहती आखिर कौन है जो इसे इस कदर मोहब्बत करता है। अच्छा जी, फिर करा दियो एक मुलाकात इन्हें,
सारे रास्ते में इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। वो इन्हें घर छोड़कर काफ़ी देर बाहर खड़ा रहा, लेकिन आज तो इन्होंने इसे घर के अंदर भी नहीं बुलाना चाहने। वो कितने परेशान थे, वो खामोशी से अंदर चले गए। तो आज तो इसने अलविदा भी नहीं किया कहा था। वो परेशान तो था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर सुकून भी था कि जिस लड़की को ढूंढ रहा वो लड़की ना सिर्फ इसे मिल चुकी बल्कि इसके लिए रास्ते भी काफ़ी आसान हो चुके थे। लेकिन सर की परेशानी से परेशान करी थी। घर आकर काफ़ी देर इस लड़की को सोचता रहा। इसका डरना, इससे घबराना, दूर भागना इसकी एक अदा से पागल करी थी और इसका सब्र जवाब दे रहा था। फिर अपनी सोचों को लगाम डालकर इसके बारे में सोचना छोड़कर अपने केस की तरफ मतवजा हो गया। इसने अपना काम भी करना था। पता नहीं बीस्ट अगला हमला किस पर करने वाला था, इसका अगला शिकार कौन था। अब लिस्ट में अगला नाम जिस लड़की का था वो भी इसके लिए अनजान थी, लेकिन अब इसने सोच लिया था वो इस लड़की और उसके गैंग को नहीं बल्कि पहले बीस्ट को ढूंढेगा। ये बात तो वो समझ चुका था कि बीस्ट जिन लोगों को मारा वो कोई नेक लोग नहीं है, लेकिन जो अंदाज बीस्ट ने अपनाया था वो भी कोई अच्छा नहीं था। इसलिए सबसे पहले वो इस केस के असल दरिंदे को ढूंढ रहा था, जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि सच में एक बीस्ट था। हर बार की तरह इस बार भी एक चिप ऐसे ही रिसीव हुई थी। लगता है बीस्ट के लिस्ट ईमानदार ऑफिसर में बहुत कम लोगों का नाम आता था, तभी तो इसे चिप दूसरी बार मिली थी। वो घर आया तो एक पार्सल इसका इंतजार कर रहा था, इसमें भी इसे एक चिप मिली हुई थी और सबके अंदर भी हमेशा की तरह एक खंडर की वीडियो थी। यकीनन ये भी कोई जगह ही थी जो आज के ज़माने में कोई ना कोई मकबूल क्लब या कोई होटल होगा। हाँ, ये पार्सल तो याद करा रहा था। इधर भी नहीं पार्सल आ रहा, मेरा भी एक पार्सल आया लेकिन मेरा दिल टूटा पे हो जाता। मैंने पर्पल कलर का खुद ऑर्डर किया था अपनी ड्रेस के साथ सेम, जो मैंने वलीमे पे पहनना, लेकिन वो खुसा निकले चिट्टे रंग का। ओ हूँ मैं दोनों तो इसकी, उन्होंने मुझे कहा, मैंने कंप्लेन तो किया लेकिन उन्होंने कहा यही वाला कलर था, आपको पिक्चर में गलत फहमी हुई। पिक्चर में तो वो इतना अच्छा लग रहा था पर्पल कलर का, अब ये मुझे थोड़ा सा बेवा बेवा लग रहा है। वैसे डिज़ाइनिंग वही है, क्वालिटी भी अच्छी है, ऊपर कढ़ाई शाही भी वही हुई हुई है, अच्छी है, मतलब कि देखने में अच्छा है, लेकिन पर्पल चाहिए था, वाइट आ गया। अब देखते हैं क्या करती हूँ। वो उन्होंने मुझे कहा कि आप चेंज करवा लो, आप और कोई और पसंद कर लो। अब देखती हूँ कोई और पसंद भी थे आवे ना। चलो नावल पढ़ दें, मेरे तो दुख ही नहीं मुकते। जहाँ कुछ अर्सा पहले काले धंधे होते रहे हैं। इस होटल की हिस्ट्री निकालने पर इसे पता चला कि 20 साल पहले वहाँ बहुत बड़े और गैरकानूनी काम होते रहे। शायद तभी बीस्ट ऐसी जगह को ढूंढता था जहाँ पहले से दरिंदगी नुमा वाक्य हुआ। जिस होटल में वाक्य पेश आया था कानून की हिस्ट्री में, वो जितना मकबूल और बड़ा होटल था, 20 साल पहले वहाँ औरतों की स्मगलिंग की जाती थी। अब इसके बहुत बड़े बड़े लोग फंस चुके थे और इसे यकीन था जिस जगह की वीडियो इसने इस बार भी देखी है, इस बार भी यकीनन वहाँ भी कोई ना कोई ऐसे काम होता होगा। लेकिन मसला ये था कि इस बार भी वहाँ पहले कोई कत्ल होना था, फिर ही इन्हें कुछ पता चलना था। और लाश की हालत ऐसी होती इससे कुछ भी पता लगाना नामुमकिन था। पिछली लाश से भी इन्हें कुछ अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था, ना कोई हाथों के निशान थे, ना ही वो चाकू मिला था जिससे इस लड़की की उंगलियाँ काटी गई थी। यकीनन अपना कोई अलग हथियार रखता था जिसे वो सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल करता था। इस काम में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था कि अब वो कोई गलती भी नहीं करता था। आशा जी, आज इतवार का दिन था, इसे सुबह सुबह एक पार्सल रिसीव हुआ। इसने फ़ौरन मुस्कुरा कर पार्सल ले लिया। माँ सदके जा, पार्सल बड़े रिसीव हो रहे हैं इन्हों। और इसे खोल कर देखने लगा, ये पहला पार्सल था जिसमें तस्वीरें नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। एक इंतहाई खूबसूरत पाँव को छूती लॉन्ग फ्रॉक और इसके साथ हमरंगी हिजाब। उफ़, वो इसका कितना ख्याल रखता था कि उसे ये भी मालूम था कि अपनी हर ड्रेस के साथ हिजाब लेकर ही बाहर निकल दिए। वो इसकी हर चीज़ से वाकिफ़ था, लेकिन वो तो इसकी शक्ल से भी नाश्ता थी। वो इसके नाम के अलावा इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसका नाम भी असल था या नहीं इस बात से भी बेखबर थी। इसके जहन में बहुत सारे सवाल थे, वो किसी को बताए बगैर किसी अनजान से मिलने जा रही थी। यही बात इसे अंदर से परेशान कर रही थी। एक अंधे के इंसान पर भरोसा कर रही थी, अगर ये बात इसके बाप तक चली जाती तो इससे आगे का सोच भी नहीं सकती थी। और ना ही वो सोचना चाहती थी कि इसके जहन में सिर्फ और सिर्फ जान को देखने का तजस्सुस था। आखिर कौन था वो जो इससे इतनी मोहब्बत करता था? इसने इसे कहाँ देखा? वो किस जज्बे के ना मोहब्बत का नाम देता था? जाना, सब कुछ जानना चाहती थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि इसने कोई बात अर्शी और आयशी से भी छुपाई थी। इसे पता था अगर इन दोनों को इस बारे में कुछ भी बताएगी तो वो इसे ज़रूर मना करेंगी कि वो इसे कभी अनजान शख्स से मिलने की इजाज़त नहीं देंगी। और यही वजह थी कि जाना ने इनको भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो अब रुकना नहीं चाहती थी। इस शख्स से मिलना था जो सामने आए बगैर इसके दिल की दुनिया में हलचल मचा चुका था। कि जाना को पहली बार अपने पर लगाए तमाम पहरों को तोड़कर बाहर कदम उठाना पड़ रहा था। वो ड्रेस को पसंदीदगी की नज़र से देख रही थी जब इसका फ़ोन बजा। वो मुस्कुराते हुए फ़ोन की तरफ आई। आजकल इसकी हर सोच पर सिर्फ जवान सवार था। इसे लगा शायद वो आज इसे फ़ोन करेगा। इससे पहले तो इसने सिर्फ एक बार ही फ़ोन किया था, वरना वो अपनी तमाम बातें खतूत के जरिए ही करता था। लेकिन जाना को लगा कि शायद वो आज इससे मिलने के लिए किसी जगह का बताने के लिए फ़ोन करेगा, लेकिन फ़ोन बाबा का था। इसे पिछले कुछ दिनों से बाबा के फ़ोन करने का होश ही ना था। वो पूरी तरह से अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में गुम थी। इसे याद ही ना था कि इसने पिछले हफ्ते में अपने बाबा से बात बिल्कुल करने की कोशिश ना की, और शायद इस बात को वो भी नोट कर चुके थे, इसलिए तो आज वो खुद इसे फ़ोन कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? इसका लहजा बहुत खुशगवार था। आज तक इसने हमेशा मायूसी से इनसे बात की थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जाना, तुम कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? बाबा की याद नहीं आई इतने दिनों से? वो शिकवा करने लगे। तो बाबा ने कड़ी याद आ गई जब तीनों याद नहीं आई थे? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं, वो दरअसल पेपर्स की तैयारी चल रही है, नेक्स्ट मंथ से एग्ज़ाम शुरू होने वाले, तो सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ है। इसने साफ छूट बोला, क्योंकि वो इन्हें जान के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो।
मैं सोचा कि तुम्हारे पेपर शुरू होने से पहले तुमसे एक बार मिलाऊँ, 6 माह हो चुके तुम्हें देखा तक नहीं। वो मुस्कुराते हुए इसके लहजे में एक्साइटमेंट का इंतजार कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जाना को चुप लगी। बाबा को जान के बारे में पता तो नहीं चल गया, इसके अंदर चोर ने सर उठाया। फिर अपने लहजे के दोस्त करते बोले, नहीं बाबा बिजी होंगे, बेकार में वक्त आया होगा आपका, पेपर्स को बहुत कम वक्त रहेगा, मेरा ध्यान तो पेपर्स की तरफ है, आप बोर हो जाएंगे, मैं ठीक से आपको कंपनी तक नहीं दे सकूँगी, बहाना बनाते हुए बोली। जबकि बाबा को दूसरी तरफ हैरत का झटका लगा। इसका फ़ोन ना करना, फिर इससे मिलने के लिए कोई एक्साइटमेंट ना दिखाना, इन्होंने इसे बात खुद से बहुत दूर कर दिया था। पिछले हफ्ते से बात करने के बाद इन्होंने इसे मिलने का फैसला किया था, लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि इसके पेपर्स ख़त्म होते हुए इसे अपने पास बुला लें। इनकी बेटी इनसे बहुत दूर होती जा रही थी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम आराम से अपने पेपर्स की तैयारी करो, इनके अंदाज़ पर वो पुरसकून होकर फ़ोन रख चुके थे। खुदाया ये जान तो मेरी जान लेकर रहेगा, इसने दिल ही दिल में जान को कोसा, जिसकी वजह से बाबा से बात करते हुए मुसलसल इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहा था। बंदा दिल काम ही ना करे कि दिल ही ज़ोर ज़ोर से धड़के। जान ने खत में कहा था कि वह आज रात इससे मिलने का टाइम के मुताबिक मुकम्मल इसी की ड्रेस में तैयार होकर वह खड़ी थी और ये बेचैनी से इसके अगले पैगाम का इंतजार करती। वो जानती थी कि वो गलत कर रही है, लेकिन इस वक्त जान इस पर पूरी तरह से सवार था, वो सही गलत को सोचना नहीं चाहती थी। इसके मोबाइल की टोन बजी, अननोन नंबर से मैसेज था, बाहर एक ब्लैक कलर गाड़ी खड़ी है, कार इसमें बैठकर मेरे पास आ जाओ तुम्हारा जान। मैसेज पढ़कर इसने एक नज़र पर खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर सड़क पर एक काली खड़ी गाड़ी को देखा। इसका दिल अलग ही तुरंग में धड़का था। इसके दिल ने तो नया अंदाज में धड़कना तब से शुरू कर दिया था जब से इसे जान के पार्सल मौसूल हो रहे थे। क्या करने जा रही थी वो, इस तरह से किसी अनजान शख्स से मिलना गलत था इसके दिमाग ने कहा। नहीं, वो मुझसे प्यार करता और प्यार में कुछ गलत नहीं होता, इसके दिल ने कहा। और फिर इसने दिमाग की हर बात को रद्द करते हुए बाहर की तरफ कदम उठाए, इसे अंदर ही अंदर खौफ महसूस हो रहा था। वो इस शख्स से मिलने जा रही थी जो इसके सामने आए बगैर इसके साथ पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। बस वो इससे मिलना चाहती थी। इसने अपने दिल से खौफ निकाला और अपनी फ्राक को संभालते हुए गाड़ी में आ बैठी। इसने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों की मोहब्बत पाई थी, बाबा से भाइयों से दूर एक गुमनाम ज़िंदगी गुजार कर थक चुकी थी। अब इसे एक ऐसा शख्स मिल रहा था जो इसे मोहब्बत करता था, वो इसे खोना नहीं चाहती थी। ये तो है यार, जो चीज़ बंदे को घर में ना मिले वो चीज़ें फिर बाहर तलाश करता है। जिसको बंदे को घर में इज्जत और एहतराम प्यार नहीं मिल रहा, टेंशन नहीं मिल रही, तो वो तो फिर बाहर जाएगा ना। जब बाहर कोई उन्हें तवज्जा देगा तो उसको स्पेशल फील कराएगा, तो उन्हें तो फिर बाहर जाना ही जाना है। आखिरकार सफ़र ख़त्म हो चुका था। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी इसका डर भी ख़त्म होता जा रहा था। वो तमाम हिम्मत जमा करके आई थी, अब क्या डरना। गाड़ी खूबसूरत फ्लैट के सामने आ रुकी, गाड़ी से कुछ फासले पर ही एक लड़का खड़ा था। वो लड़का था या कुछ और, जाना का सोचना पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता गाड़ी के पास है। वेलकम प्यारी लड़की, इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो बहुत खूबसूरत नौजवान था, तो कि ये जान था, जाना को दिल को मायूसी हुआ, तो बहुत उम्मीद से आई थी और यहाँ तो सब उल्टा हुआ था, क्योंकि सामने खड़े लड़के में इससे ज़्यादा नज़ाकत थी। ओ प्यारी लड़की ऊपर चलो, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो दिलकश अंदाज में बोला। आओ प्यारी, तुम यकीनन जान की तलाश में। जान हाँ हाँ, वो तो पागल हो रहा है, कभी इधर कभी उधर घूम रहा है। मेरी माही को ये पसंद है, मेरी जाना को वो पसंद नहीं, पगला दीवाना हुआ जा रहा है। खैर तुम्हारा दीवाना तो बरसों से है, वो दिलकश अंदाज में कहता, हाथों को लड़कियों की तरह हरकत देता इसे बता रहा था। जाना को सुकून मिला, वो जान नहीं था। उफ प्यारी लड़की, तुम्हारे इस दीवाने ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, सुबह से मेरा सर खा रखा है, मेरे तो हाथ भी दर्द हो गया काम कर करके। देखो सुबह मेरा नाखून टूट गया, लेकिन जालिम को ज़रा रहम ना आया, वो हाथों को बगौर इसे दिखाते हुए बता रहा था। जाना सिर्फ मुस्कुराई, इसने ज़िंदगी में पहली बार किसी ख्वाजा सरा को देखा था, लेकिन वो किताबों में इसके बारे में पढ़ती अक्सर पढ़ती आई थी। और तो और सामने खड़े ये नौजवान अपने हुसन को लेकर बहुत टची था, देखने में तो बहुत खूबरू नौजवान लगते, लेकिन अंदाज लड़कियों से भी ज़्यादा नाजुक थे। जिसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो सामने हालनुमा कमरा था। और प्यारी लड़की, इस कमरे में तुम्हारा दीवाना और मेरे हुसन का दुश्मन, मुझे कहता कि मैं ज़्यादा देर तुमसे बात ना करूं, क्योंकि इसे लगता है कि तुम मुझसे खौफजदा हो जाओगी। क्या मैं ऐसा भयानक दिखता हूँ, मायूसी से बोला। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ, जाना ने फौरन कहा तो वह खेल उठा। हाय मैं सद के प्यारी लड़की, तुम चलो अपने दीवाने से लो, फिर मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल स्किन को मजीद ब्यूटीफुल करने का तरीका बताऊंगा। मैं नरमी से हाथों से इसके चेहरे को छूते हुए बोला और रूम के दरवाजे तक छोड़कर खुद दूसरे कमरे से कहीं गायब हो गया। जाना ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। यार इस मखलूक से क्या डरना, बल्कि ये तो रिस्पेक्ट और हमदर्दी के काबिल होते हैं। रूम में हर तरफ कैंडल की रोशनी ख्वाबनाक माहौल बना रही थी। हर तरफ अपनी तस्वीरें लगाकर इसे देखकर इसे झटका लगा। रूम की चारों दीवारों पर हर तरफ इसकी तस्वीर थी। एक तस्वीर तो तब की थी जब वो 10 साल की थी। इसकी सांस सांस हैरत में डूबी थी। मेरी इतनी सारी तस्वीरें और इतनी पुरानी तस्वीरें यहाँ कैसे, वो बड़बड़ाते हुए खुद से सवाल कर रही थी। ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी हर सांस से बाखबर हूँ, वो बिल्कुल करीब सरगोशी आवाज़ में बोला। इसे अपने कितने करीब महसूस करके वह घबरा कर दूर हुई, लेकिन इससे पहले उसके कमर में हाथ डाल चुका कर इसे अपने करीब बिल्कुल करीब कर चुका था। मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत जाना, बहुत लंबा सफ़र तय किया, बहुत दूरी सही है तुम्हारे करीब आने के लिए, अब दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें खुद से, वो इसे अपने करीब करते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। जबकि जाना इसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, उसकी धड़कन की तरह इसके करीब था। वो इसे देख रही थी, दिल बेतरतीब था, लेकिन वो खौफजदा नहीं थी, उसके ख्वाबों के शहजादे से भी ज़्यादा हसीन था। और खामोशी से इसके चेहरे के एक एक नक्श को देख रही थी, वो कितना खूबसूरत था शायद इससे भी ज़्यादा।
वह खामोशी से देखते हुए इसके गाल पर छुका और इसके नाजुक गाल को अपने लबों से छुआ। इसके गर्म लमस पर फौरन इससे दूर हटी जैसे करंट ने छू लिया। क्या मतलब है, इस लड़के को मेरी बेटी नहीं बल्कि वो लड़की पसंद आई है। इशरत बेगम का तो गुस्से से बुरा हाल था। अच्छा अगला सीन आ गया। इनका बस नहीं चला था कि वह रेशमा को जान से मार डाले। जबान संभाल कर बात करो बेगम, और मत भूलो कि तुम जिसके बारे में बात करी हो वो मेरी बेटी है, शाकर साहब ने गुस्से से कहा। जी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। इस तरह से कैसे वो हमारी एक बच्ची को ठुकरा कर दूसरे के लिए रिश्ता मांग सकता है? आप साफ इनकार कर दे। बहुत कोशिश के बावजूद भी अपना गुस्सा नहीं दबा पा रही थी। इनकार क्यों कर दूँ, भला इतना अच्छा लड़का, बस इसे सच बता दूंगा कि हमारी बच्ची शुरू से गोयाई से महरूम है, और वैसे भी इस बच्चे की नज़रों में मैंने अपनी बच्ची के लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी। मैं जानता हूँ ये सब जानकर भी इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगा, DSP सर ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी बात बताऊँगा कैसे। भला कोई बाप अपनी बेटी की महरूमी का इस तरह कैसे इजहार कर सकता है? हमारे लिए हमारी बेटी गूंगी नहीं है, बल्कि वो इशारों से सब कुछ समझा सकती है, बता सकती है, अपने दिल की हर बात हमारे सामने रख सकती है। इनके अंदाज में अपनी बेटी के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी जो इशरत बेगम को पसंद नहीं आई। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी अर्शी आसानी से अपनी बात हमें समझा सकती है, लेकिन ज़रूर नहीं कि हम ये बात आर्यन को भी समझा पाए। हो सकता है कि आप आर्यन को ये बात खुलकर ना बता भी ना पाए, इसलिए मुझे लगता है मेरा इसे बताना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा मतलब है हम आर्यन के मजाज से बेखबर हैं, हमें नहीं पता वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये ना हो कि वो गुस्सा हो जाए। मेरा मतलब ये कोई इतनी आम सी बात तो नहीं है कि अगर इसने इनकार कर दिया तो बेकार में आपका दिल से खट्टा हो जाएगा, जबकि अगर सच्चा आने के बाद वो इनकार करता है तो ये इसका हक है। हर इंसान को अपनी मनपसंद शादी चुनने का हक है, इसलिए वो खुद को इस बात को खुद को इसको ये बात बताऊंगी कि अगर इसके बाद भी आर्यन हमारी रेशमा को अपनी दुल्हन बनाना चाहता तो समझे हमारी बच्ची की किस्मत खुल गई। इशरत बेगम ने समझाते हुए कहा तो वो सिर्फ हाँ में सर रुला के जैसे कहने को कुछ बचा ही ना। DSP साहब अपनी बुढ़ी का एतबार ना करो, मैनू आया ना रंग बाज औरत लगती है भावें दसे ना दसे। इसके यूँ पीछे हटने पर जान के माथे पर बल पड़ गए। क्या हुआ माही, मेरा छूना तुम्हें बुरा लगा, वो आंखों में नाराजगी के लिए बोला। नहीं वो मैं, इसके पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो इसे ये नहीं कह सकती थी कि बगैर किसी रिश्ते के इसको सब कुछ पसंद नहीं, क्योंकि वो यहाँ तन्हाई में इससे मिलने भी बगैर किसी रिश्ते की आई थी। वो बगौर इसके चेहरे को देख रहा था। तुम्हें रूम कैसा लगा, वो इसकी घबराहट को नोट करते हुए बोला तो जाना एक बार फिर से अपनी तस्वीरें देखने लगी। ये तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली, वो पूछने लगी। तुमने जिंदगी के जितने भी लम्हात जिए वो मेरे सामने हैं, तुम कब से जानते हो मुझे, इसके उलझे हुए जवाब पर वो फिर से सवाल करने लगी। हमेशा से, इसने मुस्कुराते हुए कहा। हमेशा से, जाना ने हैरत से दोहराया। पहले डिनर करोगी या मैं प्रपोज करूँ, वो दिल फरेब अंदाज में बोला तो जाना इसे देख कर रहेगी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, जाना इसे देखते हुए कहने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर जानना जरूरी तो मैं खुली किताबों पढ़ लो मुझे, वो दिलकशी से बोला तो जाना बेख्तियार मुस्कुरा दी। हाँ खुली किताब, लेकिन इस जुबान में जो दुनिया में अभी ईजाद नहीं हुई, वो खिलखिलाते हुए बोली तो जान भी मुस्कुरा दिया। डिनर ठंडा हो रहा है, उसका हाथ थामते हुए इसे मेज़ की तरफ ले जाते हुए बोला, वो भी रिलैक्स होकर इसके साथ मेज़ की जानी भाई। हर डिश इसकी पसंद की थी। अरे ये सब तो मेरा फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता चला, वो हैरत से पूछने लगी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, उसने फिर से बताया। सब कुछ, वो इसे देखते हुए बोली, अंदाज इम्तिहान लेने वाला था, मुस्कुराकर सर हाँ में हिला गया। तुम मेरा टेस्ट लेना चाहती हो तो याद रखो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना होगा, वो शर्त रखते हुए बोला तो जाना ने घबराकर सर ना में हिलाया। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया, उसे आंखों में डालते हुए बोला। तुम अच्छे हो जान, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का इंतहाई अहम फैसला इस तरह से नहीं कर सकती, वो आहिस्की से बोली। वक्त चाहिए, मैं इतनी जल्दी सब कुछ नहीं करना चाहती। जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो जाना, लेकिन जवाब में मुझे हाँ में चाहिए, वो गहरी नज़रों से इसका चेहरा देखते हुए बोला। मुझे स्वीट बहुत पसंद है, वो डिनर के बाद मेज़ पर कुछ मीठा ना देखकर बोली, शायद इसका देखने से घबराहट में मुब्तला कर रहा था, अभी टायर ला रहा होगा, इसके अंदाज पर वो मुस्कुराकर बोला। कौन टायर, जाना ने पूछा। मैं हूँ दरवाजे पर खड़े, इस प्यारे से इंसान ने जवाब दिया जो अब इसे यहाँ लाया था। आपका नाम टायर है, वो हैरत से पूछने लगी। भला ये भी कोई नाम हुआ, मेरा नाम कुछ और है, लेकिन ये तुम्हारा दीवाना मुझे टायर कहता है, इसलिए मैं अपना नाम भूल गया। अब तो अपना नाम कभी कभी बस ID कार्ड पर देखता हूँ तो पता चलता है कि असल नाम वो है, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ भूल जाता हूँ, वो खालिस औरतों वाले अंदाज में बोला। टायर, जान की सख्त आवाज़ इसके समात उस टकराई। जा तो रहा हूँ, वो मुंह बसोर कर बोला, फिर अगले लम्बे बाहर से निकल गया। तुम इन पर गुस्सा क्यों हो रहे थे, वो घूरते हुए बोली। फजूल बोल रहा था, इसे वक्त दिया तो तुमसे बात करने का, नीचे से फ्लैट में आने तक इसने अपना वक्त गुजार लिया, अब मेरा वक्त है, सिर्फ मेरा। इसके अंदर से एक जुनून था जो जाना ने शिद्दत से महसूस किया। तुम बहुत हैंडसम हो, बात बदलने लगी। मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ, वो दिलकशी से मुस्कुराए। अब ऐसा भी नहीं है, मुंह से छुपा के, तो फिर कैसा है, वो गहरी नज़र इसके चेहरे पर जमाए हुए बोला। तुम्हारा नाम क्या असल वाला, वो असल पर जोर देते हुए बोली। जान मुर्तजा, मेरी उम्र 26 साल है, MA करने के बाद नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, नहीं मिली तो अपना काम शुरू कर दिया, कामयाबी से चल रहा तो मैं भूखा नहीं मारूंगा शादी के बाद, वो मुस्कुराकर बोला। शादी, जाना ने हैरानगी से देखा। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जिंदगी भर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाकर रखूंगा, वो पुरसकून अंदाज में बोला। लम्हे में जाना के गाल लाल टमाटर हुए थे, हयात से लगता है ये अंदाज जान को बहुत भला लगा। मुझे हॉस्टल वापस जाना चाहिए, बहुत वक्त गुजर गया, जान बार्टन को बताए बगैर आई थी, वो घड़ी की जानब देखते बोली। जान भी बिना कुछ बोले
कुर्सी से उठा। फिर हम कब मिलेंगे वो पूछने लगी। जान मुस्कुरा, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, इसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला। वो खुद ही से हॉस्टल छोड़ने आया था। वो जाने से पहले जितनी ज़्यादा खौफजदा थी, अब इतनी रिलैक्स थी। इसका डर बेकार साबित हुआ। जान तो बहुत अच्छा इंसान था, टायर भी। जाना हॉस्टल वापस आने के बाद सिर्फ इसी के बारे में सोचा जा रही थी, पूरी तरह इसकी सोचों पर सवार था। अच्छा जी। आर्यन काफ़ी खुश और मुतमिन होकर इनके घर आया था। DSP सर ने डिनर के बाद कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा था कि वो इससे कुछ बात करना चाहते हैं इस रिश्ते के हवाले से, जबकि आर्यन ने पहले बता चुका था कि वो अगले हफ्ते इस्तंबुल जाने वाला, 3 माह के लिए इससे पहले वो शादी करना चाहता है ताकि इन 3 महीनों में इस लड़की को ठीक से जान सके, जबकि DSP सर ने कहा था कि एक बार वो इनकी मुकम्मल बात को इत्मीनान से सुन ले, फिर ही शादी के बारे में कोई बात की जाएगी। जबकि आर्यन का ध्यान बार बार दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी इस लड़की की तरफ जा रहा था, शायद वो इसे देखने की कोशिश में थी। अहमद टाइपा बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी, मगर मतलब कि वहीं थी। फिर कुछ ही देर में इशरत आंटी से अपने साथ लेगी। आर्यन सोच रहा था न जाने क्या बात करनी होगी, लेकिन आंटी की बातें सुनकर परेशान हो चुका था। देखो बेटा, तायबा हमारी बेटी है, इसकी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, लेकिन किसी गैर की बेटी की जिम्मेदारी हम नहीं ले सके। अरिश्वा हमारी अपनी औलाद तो है नहीं, मेरे देवर की बेटी और किसी की बच्ची की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल है, वो भी एक ऐसी लड़की की जिम्मेदारी उठाना जो मनहूस हो, मेरा मतलब है पैदा होते माँ बाप को खा गई, इसकी वजह से खानदान बर्बाद हो गया। इनके लबो लहजे में इसके लिए नफरत महसूस करके वो इन्हें देख कर रह गए, लेकिन अभी इनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, वो खामोशी से इन्हें सुनता रहा। और दूसरी सबसे अहम बात, हम शादी पर एक रुपया खर्च नहीं करेंगे। अगर तुम्हें इससे शादी करने का इतना शौक है तो तुम्हें बिना जहेज से निकाह करना होगा, जितना जल्दी हो सके निकाह करो। हम भी इसे ज़रा वक्त अपने पास नहीं रखना चाहते। यही बात तुम्हारे अंकल भी तुमसे करना चाहते थे, लेकिन वो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए सारी बातें खुद इन्होंने खुद नहीं की, लेकिन मुझसे यही सारी बातें तुम तक पहुँचाई हैं। आगे तुम्हारी मर्जी चाहे तो इसे इनकार कर दो। वो कहते हुए उठकर बाहर चलेगी, जिसके अब आर्यन तो सख्ते में चला गया। जिस शख्स की इतनी इज्जत करता था वो कितना घटिया और गिरा हुआ था। वो खुद भी अपनी मोहब्बत कैसे घटी और लालची लोगों के दरमियान ही रखना चाहता था, जिसे मनहूस समझते थे, काला साया कहते थे। देखिए मैं कैसे ना चबल औरतें, कोई ना कोई चबल मारनी है। इधर एक मिनी औरतें जड़ियाँ होंगी ना ताई टाइप, तेन बंदा कतल ही कर दे फड़ के। देखो बेटा, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि इसके बाद भी तुम ये रिश्ता करने के लिए तैयार हो। DSP सर सामने वाली कुर्सी पर बैठते से देखकर पूछने लगे। एक पल के लिए तो इस इंसान से नफरत हो रही थी, कितना गिरा हुआ शख्स था ये। कल तक वो बहुत से ज़्यादा इस शख्स इंसान की इज्जत करता था, इसे अपने बाप का दर्जा देता था, लेकिन आज इसे खुद शर्मिंदगी हो रही थी कि वैसे इंसान के लिए अपने दिल में इतनी इज्जत बनाए हुए था। जी आपकी मिसेस ने मुझे सब कुछ बता दिया, फिक्र ना करें, मुझे रिश्ता कबूल है, मुझे किसी की चीज़ की जरूरत नहीं, नकाह सादगी से होगा, आर्यन ने कहते हुए एक नज़र दूसरे दरवाजे के करीब खड़ी इस लड़की पर डाली, जो इसकी नज़रों से बचकर इन्हें सुनने की कोशिश कर रही थी। अच्छा जी, आर्यन एक बार चटका लगना कि मेरी बुढ़ी तो गूंगी निकली। वैसे मर्द मूमन चाहते तो यही है कि उनकी बीवियाँ उनके सामने आवाज़ ना निकाले, गूंगी बन गए थे आर्यन थी, फिर से जिंदगी सूखी रहने वाली है। आर्यन तो इसी वक्त देख चुका था, जब यहाँ आकर बैठे था तायबा और आयमा दोनों बारी बारी इसके सामने कुछ ना कुछ रखने इस कमरे में आ रही थी, जबकि वही दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। बहुत जल्द वो इसे इस दुनिया से छुपा कर अपनी दुनिया में ले जाने वाला था, जिसे वो दिल ही दिल में बेपना चाहने लगा था। बेटा सादगी से मैं अपनी बेटी को इतनी सादगी से रुख्सत नहीं करना चाहता, DSP सर ने मायूसी से कहा, जबकि इनके ड्रामे देखकर आर्यन का दिल चाहे वो भी इसके सामने हकीकत का आईना रखते हुए बताएं कि वो इनके बारे में सब कुछ जान चुका है। लेकिन वो उस मासूम लड़की का क्या करता जिसे अपना बाप बनाए हुए इनकी गुफ्तगू छुप कर सुन रही थी। देखिए सर, आप जानते हैं मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है, शादी में जो भी लोग शामिल होंगे वो आपकी तरफ से होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हंगामा करना चाहिए। इस्लाम में भी सादगी से निकाह का हुक्म है, पूरी तरह से ना सही, लेकिन कुछ मामलों को तो हम इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं, बाकी जो कमी होगी वो मैं पूरी कर लूँगा। इसका अंदाज़ काफ़ी खुश था, जो DSP सर के साथ साथ इनकी दोनों बेटियों ने भी नोट किया, लेकिन इसका ये अंदाज़ सामने बैठी औरत को बहुत अच्छा औरत को बहुत अच्छा लग रहा था। अगर वो इतनी आसानी से इनकी बेटी को ठुकरा कर रिश्वा को दुल्हन बनाने को तैयार था तो क्या वो ज़रा से झूठ नहीं बोल सकती थी? लेकिन इससे क्यामत तो इस दिन आने थी ना, जिस दिन आर्यन को यह पता चलना था इसकी होन बोली बीवी तो गूंगी, और ये बात कम अज़ कम निकाह से पहले तो इसे पता चलने नहीं देने वाली थी। जी शादी के पहले दिन तलाक का धब्बा लेकर घर वापस आएगी, इस दिन से पता चले तो इस जैसी लड़कियों का अंजाम क्या होता है। लानती बेगैरत औरत, दलियाँ कुड़ियाँ औरतें आंदियाँ जनियाँ ने अपनी धियाँ लगियाँ आंदा, फिर इन्होंने पता लगता लानतियाँ। बहुत पछताव किया रेशमा, तुमने हमेशा मेरी बच्चियों के हक मारा, इनका बाप से इनके इनसे बढ़कर तुम्हें चाहता, तुम अपनी सोचों में डूबी वो अपनी सोचों में डूबी रही थी जब इन्हें आर्यन की आवाज़ सुनाई दी। बहुत वक्त हो गया, मुझे चलना चाहिए, बाकी अब आप लोग निकाह की रस्म करना चाहे मैं आ जाऊँगा। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने लहजे में आई नागवारी को छुपा नहीं पा रहा था। ठीक है बेटा, इस जुमे को निकाह रख लेते हैं, फिर तुम 3 महीनों के लिए इस्तंबुल चले जाओ, कर बाकी रिश्वा के पेपर्स तो इस्तंबुल में ही होंगे, वो इससे भी कोई मसला नहीं होगा, DSP सर ने मुस्कुराते हुए कहा। जबकि वो सिर्फ एक नज़र दरवाजे को देखते वहाँ से निकल गए। इसकी शादी हो रही थी, वो भी अचानक वो हैरान थी, इसे बस इतना ही पता था कि इसकी शादी की बात चल रही है, लेकिन इतनी जल्दी शादी का इसने तसव्वुर तक नहीं किया था। लेकिन तायबू इतना ज़्यादा खुश है कि हद नहीं, तायबू की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ करती। ये वही शख्स था जो इस दिन इसे मार्केट में घूर रहा था, और हिजाब भी इसके सामान में इसी ने रखा था जो कि अब इसकी अलमारी में था, जो इसकी तायबू की पसंद था। और बस यही बात इसके लिए अहम थी, क्योंकि तायबू की खुशी से ज़्यादा कोई बात अहमियत नहीं रखती। वो तायबू को पसंद था तो मतलब अच्छा इंसान था, और शादी के बारे से इसके पढ़ने पर भी कोई इतराज़ ना था, और इसके गूंगे होने के बावजूद वो इसे शादी कर रहा था।
वो इस चीज़ की कमी के साथ कबूल कर रहा था, बस इसे और कुछ नहीं चाहिए था। आयमा तायबा को तो उसे छेड़ने का बहाना मिल गया, ये रिश्ता तायबा का था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी शादी से बहुत खुश थी। वो तो अभी से जुमे के दिन की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। आयमा और तायबा दोनों घर की पहली खुशी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आर्यन के मना करने के बावजूद बीएसपी सर ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा रिश्वा के नाम कर दिया। अगर उनकी बेटी थी उसे खा लिया तो अभी रुख्सत नहीं कर सकते थे। आर्यन इतो ही देखकर समझ जावे कि कुछ चबलता ही नहीं मारिया ताया चंगा। जाना को हॉस्टल छोड़ने के बाद इसने इससे कहा कि वो फ़ोन पर रात में इससे बात करेगा। जाना के चेहरे पर अपनी मोहब्बत की हसीन रंग देखकर वो दिल ही दिल में बहुत खुश था। पुरसकून अंदाज में घर में दाखिल हुआ तो आते इसने सब दरवाजे से लॉक करते हुए किचन का रुख किया। इसे चाय की शायद तलब हो रही थी, इसने कैफ चुराते हुए सफ़ेद शर्ट के ऊपरी तीन बटन खोले। सफ़ेद और सुर्ख कसरती जिस्मानियत पर सियाह बाल इसकी मर्दानगी का सबूत दे रहे थे। इसने आगे बढ़ते हुए चूल्हे पर चाय का बर्तन पानी चढ़ा दिया और साथ ही दूसरे चूल्हे को ऑन करते इस पर अपनी छुरी रख दी और उबलते पानी में चाय का लवाश मार डाल दिए। चाय को कप में डालकर वो शाने बेनियारी से चलता कमरे की जानी बाद दरवाजे को इसने अपने पैर की मदद से खोला। अब वो बेड की जानी बाते हुए कुर्सी घसीट कर बैठा और बेड पर लेटे वजूद को घूरने लगा, जबकि साथ साथ चाय के खून पड़ता वो भरपूर इसके सरापे पर गहरी नज़रें जमाए हुए था। अब वो बेड की जानी बाते हुए कुर्सी घसीट कर बैठा और बेड पर लेटे वजूद को घूरने लगा जबकि साथ साथ चाय के खून पड़ता वो भरपूर इसके सरापे पर गहरी नज़र जमाए हुए था। हर दोती आसिम घर में मेहमान आए और तुम सोए पड़े हो, वो लहजे में नाराज़गी लिए बोला, जबकि अपने आप पर गहरी नज़रों का ताकुब महसूस करते हुए गहरी नींद से उठ खड़ा हुआ। सामने बैठा शख्स इसके लिए अनजान था, लेकिन मौत को पहचानना मुश्किल थोड़ी ना होता। माँ सदके जाए, बिन बुलाए मेहमान तो उन्होंने हमेशा से संवाना से जलाते उन्होंने कह रहे कि सान देख कैसा चाड़ रहे और सिर तो जाके गुड मॉर्निंग। वो मुस्कुराते हुए इसे देख कर बोला, अंदाज़ असल जिगरी यार वाला था। बीस लम्हे में इसे पहचान गया। अगर तुम मुझे पहचानने में देर लगाते तो मुझे बहुत बुरा लगता, वो ड्रामा ही अंदाज में बोला। बहुत ही बुरे मेहमान नवाज हो तुम आसिम, मैंने खुद चाय बनाकर पी और तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? भागो मत, मरते हुए ज़्यादा तकलीफ हो गई, वैसे भागने की तैयारी में देखकर बोला, जबकि खास लिस किसी मेहमान की तरह चाय से इंसाफ कर रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो बीस, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, वो खौफ के मारे बेड से उठ नहीं पा रहा था। हाँ आसिम तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो सिर्फ 8 साल की महक और 6 साल की उर्वा को पाकिस्तान से उठाकर मलेशिया ले गए। तुमने मासूम बच्चियों को हवस के दरिंदों के सामने फेंक दिए, वो खुद पर ही जुल्म बर्दाश्त न कर सकी, बच्चियां दम तोड़ गई। तो तुमने आसिम तुमने तो इनके जिस्मों के टुकड़े काट कर बेच डाले और तुम कहते हो कि तुम भी गुनाह में इसके बाद तुम बेगुनाह हो, तो इसके बाद तुम्हें सुकून नहीं आया? तुमने इनकी लाशों को दफनाने की बजाय मलेशिया के पहाड़ों पर फेंक दिया, ये सब कुछ तुम्हारी नज़रों में कुछ भी नहीं है राइट? दुनिया के सामने नेक और शरीफ बने ये वो खटिया काम करता था जिसका सबूत भी बाद में किसी को नहीं मिलता, लेकिन जिसका सबूत कानून नहीं ढूंढ सकते, ऐसे लोगों को 20 जड़ से उखाड़ कर इनके अंजाम तक पहुंचाता था। आज आसिम अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था जिस तरह इसके साथियों को पहुंचाया गया था। उर्वा और महक के साथ हुई ज्यादती की सज़ा मैं दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे शायद तुम्हारे जैसे लोगों के अंजाम तक पहुंचाने के लिए इतनी ताकत भी दी है, लेकिन बाकी सबका हिसाब तुम खुद देना। ये इंसान की फितरत है कि वो अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, इसने भी की थी, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग दौड़ करने लगा जबकि बीस वही कुर्सी पर बैठा इसके करतब मुलाहिजा करने लगा। वो कभी लॉक दरवाजे की तरह भागता तो कभी किसी की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन यहाँ से अगर कोई गिरता तो बहुत बुरी मौत पड़ता। इसके अलावा घर के तमाम दरवाजे भी लॉक थे। वो इत्मीनान से चाय पीकर एक दूसरे तरफ देखने लगा। आसिम तुम मेरा वक्त ज़ाया करो, देखो जितना मेरा नुकसान होगा इतनी बुरी मौत मरोगे तुम। अगर तुम चाहते हो कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हें दर्दनाक मौत मिले तो प्लीज़ मुझे तंग मत करो, जल्दी से मरो। घर जाकर जाना से फ़ोन पर बहुत सारी बातें करनी है, वो मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही होगी, मेरे पास ज़रा वक्त नहीं है, वक्त आकर बात करता। माँ सदके जाए, इश्क मशूकी करनी पहले कत्ल करने वास्ते आ गए, जाना तो बहुत भैड़ी जगह पर फंसी है। फिर नफी में सर लाता हुआ किचन की तरफ आया और चूल्हे पर रखी हुई छुरी को उठाकर वापस आया। अब इसका वक्त मुकम्मल हो चुका था, शायद वो इस गेम से पूरी तरह से उकता गया था। चलो तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अच्छे बच्चों की तरह मर जाओ, वो इसके पास आते छुरी चला चुका था, इसके दो उंगलियां कटकर ज़मीन पर जा गिरी। वो चिल्लाते हुए अपने दर्द का इजहार करने लगा। शोर मत मचाओ बेवकूफ़ आदमी, पड़ोसी डिस्टर्ब होंगे, वो किसी टीचर की तरह अपने स्टूडेंट को डांट रहा था, जबकि इसकी बात सुनकर इसने उम्मीद के सहारे चिल्लाना शुरू कर दिया। शायद कोई सुनकर इसकी जान बचाने आ जाए, लेकिन आज किस्मत को भी इस पर तरस नहीं आया था। इसकी चीखों पुकार में इजाफा होता चला गया जबकि वो किसी मासूम बच्चे की तरह से बहलाते हुए जिस्म के पीसेस को अलग कर रहा था। शायद अब इसे इन मासूम बच्चों के दर्द का एहसास हुआ होगा जो बिना किसी जुर्म के ऐसे हालात का शिकार होते थे। यार ऐसे बंदों का यही हल है, यही इलाज है, इनको दर्दनाक आगे तो मिलेगा जाके, लेकिन इनको दुनिया में भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। वो इसके जिस्म के हज़ारों टुकड़े कर चुका था, अब भी इसके पास बैठा अपना पसंदीदा काम सर अंजाम दे रहा था। चीखों पुकार तो कब की दम तोड़ चुकी थी, अब तो सिर्फ सर ही था यहाँ जो शनाख्त रखता था,
सर को उठाकर अगर पहचानने की कोशिश की जाए तो ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि यहाँ कोई कत्ल हुआ या किसी जानवर को ज़िबा किया गया। जबकि पुरसकून अंदाज में किसी कसाई की तरह अपना काम करने में मसरूफ था, वो इंतहाई एहतियात से ग्लव्स चढ़ाए जिस्म के अहम तरीन हिस्से निकाल कर मेडिकल मशीन में रख रहा था। सॉरी जाना, मैं तुम्हें बताने भूल गया कि मैं काम क्या करता हूँ। तुमने भी तो नहीं पूछा, अगर पूछती तो बता देता कि सीरियल किलर हूँ। लेकिन अगर मैंने तुम्हें यह बताया तो तुम मुझसे खौफजदा हो जाओगे, मैं तुम्हें खुद से डरते भी नहीं देख सकता। लेकिन मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोल सकता जाना, वो खुद से कहता हुआ अपना मेडिकल सिस्टम को अलग करके उठ खड़ा हुआ। कमरे में आया तो कप अभी तक वहीं पड़ा हुआ था, इसे उठाकर किचन में लाकर शेक के अपने बर्तन धोने लगा। देखो इस आसिम, मैं कितना अच्छा मेहमान हूँ, मैंने अपने गंदे बर्तन खुद ही साफ़ कर दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत वक्त ज़ाया कर दिया तुमने, जाना से बात नहीं कर पाऊँगा तुम्हारी वजह से। अफसोस करते हुए अपना सामान उठाकर वहाँ से निकलता चला गया। बहुत चंगा किता हूँ उन्हें, जिदा इन्होंने पहले बच्चियाँ की लाशें ने बेचे सी ना, तो भी ऐसा भी बेच दे सारे ऐसा। वो सीधा अस्पताल आया था, ये बहुत गरीब और लाचार लोगों का अस्पताल था, यहाँ सिर्फ खैरात के पैसों से इलाज मुमकिन था। वो चेहरे पर मास्क लगाया आगे बढ़ा जहाँ डॉक्टर परेशान हालत में किसी का इंतजार कर रहे थे। ये सामान दूसरे अस्पताल से भेजा गया, वो मेडिकल सिस्टम डॉक्टर को देते हुए बोला। डॉक्टर ने फौरन सिस्टम चेक किया, इस सिस्टम में चार मुख्तलिफ खाने बने हुए थे, एक में धड़कता हुआ दिल जबकि दूसरे में दो आँखें और बाकी दोनों में किडनियाँ मौजूद थी। नर्स डॉक्टर को बुलाओ, दिल का इंतजाम हो गया, इस आदमी की जान बच जाएगी, जाओ जल्दी से इन सब चीज़ों का मेडिकल जांच करो। मेडिकल सिस्टम नर्स के हवाले करते हुए इस नौजवान का शुक्रिया अदा करने लगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अपने बॉस का भी शुक्रिया अदा कीजिएगा, हमें इस वक्त एक मरीज़ के लिए दिल की ज़रूरत थी। इसका दिल पूरी तरह से साथ छोड़ चुका है लेकिन जिस समय ज़िंदगी की नोयत अभी भी बाकी है। इसके चेहरे पर खुशगवार सी मुस्कुराहट भी, जबकि इनकी खुशी इस हद तक सवार थी कि इन्होंने पूछा ही नहीं कि सामान किसने भेजा। रज़ी, आपके बिज़नेस पार्टनर का खून हो गया और इतनी बेदर्दी से कहन हद नहीं, मुझे तो ये खबर देखी नहीं जा रही है, तो हैवान है पूरा, ज़रा रहम ना, आपके हैवानों के सामने हैवानियत की बातें कर रही हैं। आयशा कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाती ऊंची आवाज़ में बोली। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर यकीनन आयशा का सतीला अब्बा भी जान दे हते चढ़ूगा, क्या हैवानियत की है मैंने तुम्हारे साथ, इंतहाई गुस्से से इसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत भी नहीं है आप में, मैं तो अपनी माँ की बात कर रही हूँ जिसके चेहरे पर आपकी हैवानियत के निशान है। वो इनका चेहरा देखते हुए बोली तो शर्मिंदगी से सर झुका गई। वो मेरी बीवी है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ इसके साथ, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली, वो गुस्से से धड़ा। मैं पूछूंगी भी नहीं आपसे, लेकिन बीवी होने का ये मतलब नहीं कि आप इन पर कभी भी हाथ उठा सकते हैं, वो भी इस घटिया सोहम की वजह से, वो भी इन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए बोली। सोहम की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, तुमने सोहम पर हाथ उठाया, इस वजह से तुम्हारी वजह से मेरी डील ख़त्म हो सकती थी। वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया, मतलब ख़त्म हुई नहीं, बड़े बेगैरत लोग हैं, अभी तक डील ख़त्म नहीं की। आयशा को हैरत के साथ साथ अफसोस भी हुआ। आयशा तुम सोहम को बेकार में जिद दिला रही हो, वो तुम्हें पसंद करता, बहुत लकी हो तुम, वरना इसके तो आगे पीछे लड़कियों पागलों की तरह घूमती रहती हैं, इसकी माँ ने समझाना चाह। भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाए ये रिश्ता, मेरे सामने इस रिश्ते का जिक्र भी मत कीजिएगा, वरना मैं आज ही हॉस्टल चली जाऊँगी। वो गुस्से से कहती अपने कमरे की तरफ चली गई। इसके दिल चाह आज ही वापस हॉस्टल चली जाए, लेकिन हॉस्टल में तो सभी को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो किसी की भी इंटरटेनमेंट का सामान नहीं बनना चाहती थी, इसलिए छुट्टियाँ गुजार कर वापस जाने का इरादा रखती थी, वरना तो कब की सोहम नामी मुसीबत से जान छुड़ा चुकी होती। ले बीबी चली जा, फिर कड़ी गाला जाके कह रही मेरा जाना तो बगैर दिल नहीं लगे भाई, बनना मेरे से ले ले जाना। कॉलेज से वापस आई जब दूसरी क्लास की लड़की को तैयार शहर होकर बाहर जाते देखा। कहाँ जा रही हो, वो सरसी से अंदाज में पूछ रही थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, वो अलग ही अंदाज में बोली। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, इसे हैरत का झटका लगा। हाँ यार, वो मेरा होने वाला शौहर, कहता है शादी से पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, इसलिए अक्सर मुझे अपने साथ आइसक्रीम या लंच पर ले जाता है। हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझने लगे, लेकिन एक लिमिट में, वो लिमिट पर जोर देते हुए बोली। तो वो इसकी बात समझ के इसे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए अपने कमरे की तरफ आ गई थी। कमरे में आते इसने जान को फ़ोन किया। कहाँ तुम, वो मुँह बसोरे रूठे अंदाज में बोली। काम कर रहा हूँ, वो अपनी छुड़ियों की तार तेज़ करते हुए बोला। माँ सदके जाए कि उन्होंने दास थी तनों ने उठे फोत हो ना। कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम, तुमने कभी मुझे आइसक्रीम की ऑफर नहीं की, मैं तुम्हारे प्रपोजल पर कभी यस नहीं बोलूँगी, वो रूठी रूठी से इसे धमकियाँ देने लगी। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया हूँ, वह हैरतज़दा हुआ। तो क्या तुम नहीं बनना चाहते, जाना ने मासूमियत से पूछा। मैं तो शोहर बनना चाहता हूँ, वो मुस्कुराकर बोला, जबकि इसकी बात पर जाना के गाल लाल हो गए। जाने कहाँ से अपने लहजे में इतनी नरमी लाता था, वो जाना से बात करते हुए सामने बैठे टायर ने सोचा, जो कब से इसकी छुरियों को धो धो कर रख रहा था। टायर ने भी नाल लाया अपने। आइसक्रीम खानी है मेरे माही ने, इसकी हया को महसूस करके महसूस हुआ। हाँ, वो बस इतना ही बोल पाई, 15 मिनट में आता हूँ, तैयार हो जाऊँ, मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर चुका था। वो टायर ये सब कुछ संभाल में जाना से मिलने जाना है, उसे देखते हुए बोला। मेरे साथ ऐसे बात करते हो, अपनी जाना से कैसे प्यार से मीठे मीठे होकर बोलते हो, मुँह बस होकर बोला। तुम्हारा और इसका भला क्या मुकाबला, वो घूरते हुए पूछने लगा। नहीं मुकाबला नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि जब इससे बात करते हो तो तुम बीस्ट नहीं लगते, वो इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने लगा तो वो दिलकशी से मुस्कुराया। मैं बीस्ट दुनिया के लूँ, जाना के लिए सिर्फ जान हूँ, सिर्फ इसका जान, इस पर गुस्सा होकर इसकी फरमाइश पूरी ना करके इसकी बात ना मानकर उसको डरा कर खुद से दूर नहीं कर सकता। इसे मेरे पास आना है, सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरा बनना है।
जाना अपने जान से डरेगी नहीं बल्कि इसे मोहब्बत करेगी, सिर्फ मोहब्बत। वो इसको अपने दिल की बात बता रहा था। टायर तो बस हाय सदके कहता अपनी कादल से भरी आंखों से नज़र का टिक्का इसके गर्दन के पीछे लगाने लगा, जबकि इसके अंदाज पर मुस्कुरा कर जाना की फरमाइश पूरी करने जाने लगा। तो मेरी माही को कौन सा आइसक्रीम खानी है? वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम जाना है। जाना तो मुझे माही क्यों कहते हो? वो इसे घूर कर पूछने लगी। क्योंकि तुम मेरी माही हो, वो मुस्कुरा कर बोला। चलो ठीक है, तुम मुझे माही को और मैं तुम्हारा जान हूँ, वो इसकी बात काट गया। ओहो तुम जो मर्जी बोलो, मैं जा रही हूँ आइसक्रीम ऑर्डर करने, तुम यहीं बैठ कर वेट करो। रुको तुम क्यों जा रही हो? मैं जाता हूँ ऑर्डर करके आता हूँ, उसे रोकते हुए बोला। बिल्कुल भी नहीं, आज की ट्रीट मेरी तरफ से, ऑर्डर भी मैं ही करूँगी। ठीक है तुम ऑर्डर करके आ जाओ, लेकिन ये ट्रीट मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान में होने वाली बीवी का खर्चा उठाने का रवाज है। वो दिलकशी से मुस्कुरा कर बोला, जबकि इसकी बात के जवाब में जाना के गाल लाल हो गए। अब अगर शर्मा लिया हो तो कुछ खाने को ले आओ। यार मैंने लंच भी नहीं किया, वो इसे शर्माते देख कर बोला तो जाना को वहाँ से खिसकने का बहाना मिल गया। वो फ़ौरन वहाँ से उठकर काउंटर पर जाने लगी। वो भी ऑर्डर करके मुड़ने वाली थी, जिसे अपनी कमर पर सख्त करीफ महसूस हुई। इसने नज़र उठाकर जान की जानब देखा, जिसे देखने की वजह सामने की तरफ देख रहा था। आंखों पर इतनी वहशत थी कि जाना घबरा कर रह गए। सामने काउंटर पर मौजूद कुछ आवारा लड़के से अजीब नज़रों से सर से पैर तक देख रहे थे। जान को देखते हुए अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इनकी इस हरकत की वजह से जान को बहुत गुस्सा आ रहा है, और यकीन जान ने अब इनको कुछ ऐसा ज़रूर करना था जो इन लड़कों को अक्कल आ जाती। इसने फ़ौरन जान के सीने पर हाथ रखा। चलो यहाँ से, वहशत से बोली, डोंट यू डेयर, शी इज़ माइन। वो नर्म लेकिन इंतहाई सर्द अंदाज में बोला। वो इसके अंदाज पर लड़के भी कुछ खड़बड़ा कर दोनों हाथ ऊपर हिला रहे थे। बाहर की जाने पड़ गए, जाना को कुछ सुकून आया। जान ऑर्डर कर रहा था जबकि जाना का ध्यान अब भी इन लड़कों की तरफ था, जो अब कहके लगाते हुए बाहर की जानब जा रहे थे कि अचानक दो तीन लड़कों ने मुड़कर वापस काउंटर की तरफ देखा और इसे इंतहाई गंदे अंदाज में देखते हुए आंख मारते कहका लगाकर बाहर निकल गए। ये तो शुक्र है कि इनकी हरकत जान की नज़रों में नहीं आई। इसने अकेले लम्हे जान का हाथ थामते हुए इसे दूसरे टेबल की तरफ बढ़ाया। वो नहीं चाहती थी कि जान दरवाजे की जानब भी जाया। जान के अंदाज में इसने जो हथस तहकाक सुना था इसके बाद, जहाँ वो दिल ही दिल में अपने आप को बहुत महफूज समझी थी, वहीं से जान से खौफ भी महसूस हुआ था। ना मुंडिया नहीं थे, हार गई। इतना अजीब होता है ना इंसान, दुनिया के सामने इतना अच्छा और अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या राज छुपाए हुए होता है। आर्यन को DSP सर हमेशा से बहुत अच्छे लगते थे, वो कभी भी इनके बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता था, लेकिन नरेशवा की मोहब्बत ने जैसे इसकी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसके साथ कुछ बुरा और करने वाले ये लोग थे कि तो क्या DSP सर भी रेशवा को मनहूस कहते थे? वो इंसान जो कुछ दिन में इसके लिए इसकी जान से ज़्यादा अजीज हो गया था, इसे कोई बुरा कहे तो कहे क्यों? शायद यही वजह थी, वो कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, बस जल्द से जल्द रेशवा अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। माँ सोते जाए पहले वे खतरे लाए एवं DSP तो शक करी जाना पे गंदे आले चवल ही जाइए। इस वक्त भी जब DSP सर ने कहा कि रेशवा को अपने साथ ले जाओ, ड्रेस सेलेक्ट कर लो, इसे खुशी हुई थी। वो भी शादी से पहले एक बार इसे मिलना चाहता था, इसे अपने दिल से बात दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं DSP सर की तरफ से बेदबारी इसके दिल में बस की थी। इसे सच में इनकी हकीकत जानकर अफसोस हुआ। वो इन्हें बहुत अरसे से ज़्यादा अरसे से नहीं जानता था, तकरीबन 1-1.5 साल से, और वो भी सिर्फ ड्यूटी आवर्स में, लेकिन फिर भी वो इसे बहुत अच्छे लगते थे। इसने गाड़ी घर के सामने रोक दी और दरवाज़ा खटखटाया। आंटी खुद दरवाजे पे आई थी। आंटी, रेशवा को बाहर भेजे, हमें वेडिंग ड्रेस लेने जाना है। इसने इन्हें सलाम करते हुए कहा कि आंटी के चेहरे पर फिक्रमंदाना तासुरा थे। अरे बेटा, अर्शी तो घर पर नहीं है, वो थोड़ी देर पहले अपनी सहेली के घर गई है, आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, तुम अंदर आओ बैठो, मेहमान नवाजी करने लगी। नहीं, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे वापस जाना होगा, ड्यूटी आवर्स है, सिर्फ लंच ब्रेक में बाहर आया था। चले कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊँगा, नहीं बल्कि कल तो निकाह है, वो परेशानी से बोला। फिर कुछ सोचते हुए इसने अपनी जेब से कुछ निकाल कर इनके हवाले किया। आंटी प्लीज़, आप खुद इसके लिए ड्रेस ले आइएगा, ये मेरा कार्ड है। मैं जानता हूँ ये कुछ अजीब है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी बीवी अपनी निकाह पर मेरी तरफ से ड्रेस पहने। उन्हें कार्ड थमाते हुए बोला, जबकि इन्होंने इसका दिल लिखने वाले अंदाज में कार्ड थाम लिया और दरवाज़ा बंद करके अंदर अपने कमरे में दाखिल हुई। लानती औरत। अरेशवा अंदर बैठी अपने पेपर की तैयारी कर रही थी। कल इसका निकाह था, आज वो अपनी पढ़ाई में बुरी तरह से मगन थी। अच्छा ही था अगर इसे पता भी नहीं चला कि दरवाजे पर कौन आया तो मसला होता था। तायबर आयमा दोनों शॉपिंग पर गई हुई थी, अगर वो आर्यन के साथ चली जाती तो यकीनन इसको पता चल जाता कि वो गुंगी और इसका इनका खेल शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता। लानती बेगैरत औरत। वो उस वक्त ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आगे पीछे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ गाड़ियाँ थी। वो दोनों ही ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर रहे थे, जब जाना की नज़र एक बुज़ुर्ग पर बड़ी मुश्किल से सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। इसने एक तरफ होकर जान को मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन इसके देखने से पहले जान इन बुज़ुर्ग के मसले को जान चुका था और अब इनके पास पहुँच कर सहारा देकर सड़क पार कराने लगा। कितना अच्छा था वो, जाना सोचकर मुस्कुराई। इसी लड़ाई झगड़े से शुरू से उलझन थी, जहाँ लड़ाई झगड़ा और अब वहाँ से कोसों दूर चली जाती थी। और शुक्र है जान भी इसकी ज़ात को पहचानने लगा था। इसे नहीं पता जान झगड़ालू है या नहीं, लेकिन इसके सामने वो ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता था। इंतहाई नरम और खूबसूरत अंदाज में किसी का दर्द को समझने वाला जान, वो सोचकर मुस्कुराई। वैसे जानना थी मासूमियत, तो मेरा कहके लानू दिल कर रहा है। हालत जानना जो जानने की जान है कि, तो फिर जाना लग पता जाएगा। ये जाने बगैर कि इसका लोगों को काटने का अंदाज भी इंतहाई नरम था। वो जान भी मोहब्बत से लेता था, अपने शिकारी को किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता था। जान ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला, गाड़ी आगे बढ़ा दी, ट्रैफिक खुला,
जाना को खुद भी पता नहीं चला था। अगली बार कब आओगी आइसक्रीम खाने, इसने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम कर पूछा। जब मेरा दिल चाहेगा, बोला कि तुरंग में बोली। जान मुस्कुराया, मैं 2 दिन के लिए किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन तुमसे मुलाकात नहीं होगी, इसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उदास लहजे में कहा। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करके मुझे आइसक्रीम खिलाने आ जाना, इसने मुस्कुराकर शरारत से कहा तो वो भी हंस दी। मतलब कि जो मुझे बॉयफ्रेंड वाली सीट मिली है तुम्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए मिली है, इसने घूरते हुए पूछा, जिस पर जाना ने जोर जोर से हाँ में सर लाया। फिर दोनों ही मुस्कुरा दिए। सड़कों के बीचों बीच 3 लड़के एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इसने अचानक गाड़ी रोकी, सर पर हुड डालकर आगे बढ़ रहा था। मदद करो, ये लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लड़की ने भागते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाया और मदद के लिए पुकारने लगी। ये न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो, ये क्लब में ड्रग्स भेजते हैं, मैं वहीं पर काम करती हूँ, आज मैंने इन लोगों को ये करते देख लिया, ये मेरे साथ भी वही करने जा रहे हैं जो आज तक सबके साथ करते हैं, वो लड़की तुर्किश में कहती इसके पीछे चुप्पी से अपना मुहाफिज समझने लगी। ये तो वही लड़का जो जो दिन में इस लड़की के साथ था, इनमें से एक लड़के ने तुर्की जबान में कहा। माँ सदके जाए ताड़ी तो हार गई, बगैर तो ताड़ना तो पुराने हिसाब किताब से, तो तुम तो होर भी नवा खड्डा खोद लिया अपने वास्ते। हाँ मैं वही हूँ, जान आगे कदम बढ़ाते हुए इसके पास रुका। मैंने तुमसे कहा था ना, वार्न किया था तुम्हें कि इस तरफ मत देखो, फिर भी तुमने इसकी तरह देखा। क्यों देखा तुमने मेरी जान को गंदी नज़र से, वो इंतहाई गुस्से से बोला। इसने अपनी जेब से एक सरिंज निकाली जो कि पैक थी, मतलब के बाद बिल्कुल न्यू थी। लड़के ने मुस्कुराकर इसे देखा, मैंने जाने क्या करने जा रहा था। हे यूं तुम अपने डॉक्टर के अस्पताल में जाकर करो, हमें हमारा काम करने दो, इसे धक्का देते हुए बोला। जबकि जान आवाम को सरिंज में लोड करते हुए अगले लम्हे इंजेक्शन इसकी गर्दन में मार चुका था। एक लम्हे कम हो तो लगा इस लड़के को मौत का मजा चखते हुए। अगर डॉक्टरी अस्पताल में करूँगा तुम लोगों का इलाज कौन करेगा, मुस्कुराते हुए दूसरे लड़के की तरफ बढ़ा और इसके साथ भी इसने बिल्कुल ऐसा ही किया। तीसरे ने भागने की कोशिश की लेकिन इससे पहले उसका काम तमाम कर चुका था। दूर खड़ी लड़की ये सारा मंजर देख रही थी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने कुछ नहीं देखा, वो कहते हुए पीछे की तरफ आ गई थी। जबकि जान जानता था वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। अरे अर्शी, तुझे छुट्टियाँ गुजारने भेजा था या शादी करने, तुझे पता मैं तेरी शादी पर नहीं आ सकती, इतनी दूर में आऊँगी और बाबा भी फ़ोन नहीं उठा रहे, इनकी इजाज़त के बगैर मैं वहाँ नहीं जा सकती, और जान वो भी तो यहाँ नहीं है, कल ही वो पता नहीं कौन से काम के सिलसिले में कहाँ गया है, 2 दिन बाद वापस आएगा, बेख्तियार में वो बोली। जबकि अर्शी इशारों से पूछ रही थी कि वो किसके बारे में बात कर रही है। इसे जल्दी अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम शादी वगैरह करके वापस आओ ना, फिर तुम्हें बताऊँगी। अरे तुम्हें तुम्हारा शौक शादी के बाद हॉस्टल आने तो देगा ना, तुम अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल करोगी ना, वो परेशानी से बोली, जिस पर अर्शी ने इतनी नाल से हमें सारी ला दिया था। शुक्र है, वरना मैं तो परेशान हो गई थी। तुम्हें पता है आशी के जाने के बाद सिर्फ 2-3 मैसेज किए हैं मुझे, फ़ोन भी 2-3 मिनट में बंद कर देती है, वो मुँह बनाते हुए इसे शिकायत करने लगी। जबकि वो रोज़ रात को इसे बहुत सारे मैसेज करती थी, जबकि फ़ोन तो वो खुद जल्दी में बंद कर देती थी, किसी जान से बात करनी होती थी। लेकिन आशी को भी इसने जान के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था, इसने सोचा था वो दोनों यहाँ आएंगी तो इन्हें सुकून से इसके बारे में बताएगी। अच्छा तू बता अपने मंगेतर के बारे में कैसा दिखता है, हैंडसम तो है ना, करता क्या है, वो एक्साइटेड होकर पूछने लगी। जबकि वो इशारे से सर पर टोपी लगाती से बताने की कोशिश करने लगी। क्या टोपियाँ भेजता है, इसने शरारत से कहा, जिस पर नफ़ी में सहलाती नाराज़गी का इजहार करने लगी। वीडियो कॉल पर वो नाराज शर्माई बहुत प्यारी लगी थी, और ऊपर से आज तो आई मैं से ज़बरदस्ती पार्लर लेकर आई गई थी, और ब्यूटिशियन ने तो वाकई इसके हुसन को फिशल से काफ़ी निखार दिया था। फिर जाना इसे मनाकर एक बार फिर से इसके बारे में पूछने लगी। जब वो अपने हाथ में डंडा पकड़कर सर पर टोपी लगाती समझाने लगी, इस बात जाना वाकई में समझ गई कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। इसने इसकी खुशियों के लिए बहुत सारी दुआएं की, यकीनन वो शख्स बहुत अच्छा था जिसे इसकी कमी के साथ कबूल करा था, इसके तायब भी तो बहुत अच्छे थे, वो कभी से किसी गलत इंसान के ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते थे। सर आपके घर को बहुत अच्छे तरीके से साफ करवा दिया, सब कुछ परफेक्ट है, इमरान जो कि कल से इस्तंबुल इसकी शादी की तैयारियों में आया हुआ था इसे फ़ोन पर बताने लगा। देखो इमरान, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तुम्हारी भाभी को ज़रा भी गंदगी महसूस ना हो, पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में कोई मर्द रहता है, इतने अच्छे से साफ़ करना कि मेरा पहला इंप्रेशन इस पर अच्छा पड़े, वो इसको समझाते हुए बोला। तो इमरान मुस्कुराया, सर आप परेशान हो, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया, इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया। तो इसने भी इत्मीनान से फ़ोन बंद कर दिया। इसकी हर सोच पर सिर्फ और ऐश्वर्या सवार थी, वो इसे मिलना चाहता था, बेशुमार बातें करना चाहता था, इसे अपने दिल की हर बात कहना चाहता था, न जाने कितनी बातें होंगी वो जो इससे करने के लिए बेचैन होगी। कल से तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगे, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें कभी भी एक अच्छे शादी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा किस्मत के साथ दुनिया तुम पर रश करेगी। वो छत को देखते हुए अपनी ज़िंदगी के हसीन ख्वाब सजा रहा था। आयशा सोहम, अच्छा जी अगला सीन आ गया। आयशा सोहम एक बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें इसके साथ सब करके अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हो, वो एक बार फिर इसके सामने बैठी से समझा रही थी, लेकिन वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। आप इसकी वकालत करना बंद करें, जहर लगता है मुझे वो शख्स, और दूसरा आपका शौहर नहीं रहूँगी मैं ज़्यादा दिन यहाँ, कुछ दिन सुकून से रहने दे, चली जाऊँगी मैं यहाँ से, वो इंतहाई गुस्से से कहती इनके करीब से उठने लगी। लेकिन वो इसका हाथ थाम चुकी थी। एक औरत की ज़िंदगी जीने के लिए एक मर्द के सहारे की जरूरत होती है, आयशा इस बात को समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी, इस तरह तुम्हारा बाप भी मेरे आगे पीछे फिरा करता था शादी से पहले, लेकिन मैं इसे अक्सर इसके औकात याद दिलाती रहती थी, लेकिन जब वो मेरे घर रिश्ता लेकर आए तो मेरे माँ बाप ने इनकार नहीं किया, घूंघट उठाते इसने पहला लफ्ज़ जानती हो मुझे क्या कहा, इसने मुझसे कहा कि तुम मेरी औकात याद दिलाती थी रही, और देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरी ही सेहत से जाकर बैठी हो, इस ज़िंदगी के 7 साल पल पल मुझे इस बात का एहसास होता रहा
क्यों मैं शादी से पहले से ठीक से बात नहीं की। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती मैंने शादी के 7 साल कितने मुश्किल गुजारे हैं। सुकून से तो अब जिंदगी अभी नहीं गुजारी मामा, वो तंज करते हुए बोली, शायद अपने बाप की पढ़ाई से बर्दाश्त नहीं हुई थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, सुकून से तो मैं अभी जिंदगी नहीं गुजारी, लेकिन इस वक्त मुझे पता है कि मेरे पास एक सहारा तो है। अगर मुझे कभी मुझ पर कोई सवाल किया गया तो मेरा शौहर जवाब देने के लिए तैयार रहेगा, मैं बेसहारा नहीं हूँ। मेरा शौहर हर कदम पर मेरे साथ खड़ा है, वो जैसा भी है मुझे बहुत चाहता है और मैं ऐसी ख्वाहिश तुम्हारे इसलिए भी करती हूँ। बस कर दे मामा अपनी ज़िंदगी सुकून से जीने के लिए, मैं कभी किसी गलत चीज़ का साथ नहीं लूँगी, वो गुस्से से कहते हुए उठकर बाहर चली गई, जबकि हमेशा की तरह से चाहते हुए देखने लगी। पता नहीं यार कैसी औरत है कि इद्दा मर्द आप भी ज़िंदगी गुजारी थे और फिर अपनी धीरे भी इदा करना चाहती। इदा दी मामा भी आदि मार्केट के बाहर आकर भी इसे सुकून नहीं मिला था, घर में रहकर माँ से इसे बातें बताते रहती थी और बाहर आकर भी इसे अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही ताहा बुखारी से वापस मिला था कि उससे इसकी बांसुरी वापस कर सके, लेकिन वो हमेशा किसके पास ही रहनी थी। भाई तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा मालिक का मिलना लिखा ही नहीं है, वो बांसुरी से कहती इसे अपने बैग में वापस रख कर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चलने लगी, जब दूर सड़क पर इसे बांसुरी की मध्यम से धुन सुनाई दी। वो इसकी तरफ भी चली गई बेख्तियारी से, लेकिन वो इसकी लड़ाई को भूलकर इसकी बांसुरी की धुन सुन रही थी। आज से पहले इसने कभी भी बांसुरी की आवाज़ को नहीं सुना था, बल्कि इसे तो इस तरह से बेख्तियार सड़कों पर खड़े रहने वाले लोगों से चिढ़ थी, लेकिन आज नहीं, सामने वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसकी अमानत इसने इसे लौटानी थी। वो आंखें बंद की आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा था। आयशा को वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, अपनी खूबसूरती को बहुत इस्तेमाल करता था, इसकी धुन से लुत्फानंदोज होकर लोग इसकी टोपी में पैसे डाल रहे थे, काफ़ी अच्छा तरीका था पैसे कमाने का, वो इंस्पायर्ड हुई थी, वो इम्प्रेस्ड हुई थी। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता से इसकी टोपी में पैसे डालकर निकलते चले जा रहे थे, वो भी वहीं पास खड़ी है सब मंजर देख रही थी। सो मिस्टर ताहा बुखारी तुम यहाँ ये काम करते हो, तुमने तो कहा था कि तुम भिखारी हो, लेकिन ये काम तो भिखारियों वाली है, वो मुस्कुराते हुए इसे जता रही थी। जब अगले लम्हे इसने अपनी जेब से कुछ निकालते हुए इसकी कैप में फेंकना चाहा, लेकिन इससे पहले वो इसका हाथ थाम चुका था। मैं सिर्फ इन लोगों से लेता जो मेरे टैलेंट को अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों से नहीं जो अपने पैसे का रोब जमा कर मेरे टैलेंट को नज़रअंदाज करते हुए इसे अपनी दौलत फेंक कर चले जाते हैं। मोहतरमा फेंके हुए पैसों पर तो मैं लानत भी नहीं भेजता, वो इसका हाथ फेंकने वाले अंदाज में दूर कर चुका था। बड़े कोई ढीठ इंसान हो, ये भी भीख मांगने के बराबर है, वो अपनी जेब से बांसुरी निकालते हुए इसकी तरफ बढ़ाने लगी बैग से। खैर तुमसे बहस करने का वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैंने तुम्हारी इस चीज़ को वापस करना था, ये इस दिन मुझे इस जगह मिली थी जहाँ मैंने तुमसे मदद मांगी थी, जो मैं तुम्हारी मदद के बदले तुम्हें तुम्हारी चीज़ वापस करी, हिसाब बराबर, वो बांसुरी इसके हवाले करते बोली और इसने नोट किया। इस बांसुरी को देखते इसके चेहरे पर रौनक से आ गई थी। हाँ सही कहा तुमने, हिसाब बराबर, मैं इस चीज़ का हमेशा तुम्हारा मशकूर होऊंगा, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, वो मुस्कुराकर इसका तलख लहजा नज़रअंदाज कर चुका था। और फिर कुछ ही देर में एक बार फिर से लोग झूम जमा होने लगे इसे सुनने के लिए, बहुत सारे लोग मुंतसर बैठे थे, लेकिन आयशा का इसके पास खड़े रहने का कोई इरादा नहीं था, वो इसके सैलन से इंप्रेस नहीं हुई थी इसलिए वापस जाने लगी, लेकिन जैसे इसने धुन बजाना शुरू की इसके कदम जम से गए, वो बहुत चाहने के बावजूद भी इस धुन को नज़रअंदाज नहीं कर पाई, प्यारी थी मदहोश को देने वाली धुन। 20 ने दरिंदगी की इंतहा कर दी थी, हर तस्वीर सिर्फ तस्वीर यही देख पाया क्योंकि इनकी तैयारियों में निकाह की तैयारियों में बीजी था, वैसे तो आज वो छुट्टी पर था लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से जल्दी काम खत्म करके कल प्यारी माँ को लेकर इस्तांबुल रवाना हो जाना चाहता था, लेकिन फिर भी कामिल की ज़ात तक सबसे पहला हिस्सा था, ये काम भी 20 का ही था। लाश की आँखें निकाल के इसने लाश के माथे पर भी सफ़र देखा था, सुराख देखा था। यार ये क्या है, वर्डिंग की मिस्टेक है इस PDF में, कौन थे ये लोग और बीस्ट इन्हें क्यों मार रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाश कितने टुकड़े किए गए थे कि अब शोर नामुमकिन था, लाश मशक जरूरी अब पहचानना नामुमकिन था। इसके ज़रूरी अज़ा निकाल लिए गए थे, अगर इस शख्स के घर से ना मिलते तो वो पहचानना मुश्किल था कि कौन है ये, किसकी ये लाश किसकी है। घर में कोई भी फालतू कोई भी चीज़ बेतरतीब नहीं थी जिसे बीच की किसी गलती का अंदाज़ा लगाया जा सके, बहुत चलाक आदमी थी, आसानी से हमारे हाथ नहीं आया। गाली ने तस्वीरें देखते हुए इमरान से कहा, जो काफ़ी गहरी नज़रों से तस्वीरों को देख रहा था, जो आज इस्तांबुल से वापस आया था। मैं बहुत मजबूत दिल का शख्स हूँ, लेकिन इस आदमी को देखकर मुझे भी खौफ महसूस हो रहा है, इसने अपने दिल की बात कही तो अली मुस्कुरा दिया। ज़रा सोचो इमरान, जिस शख्स ने यह काम किया इसने कैसे किया होगा, कोई बकरी को भी इस तरह से ज़िबा नहीं करता जिस तरह इस इंसान की गर्दन काटी है। मुझे तो लगता है ये कोई कसाई है, इमरान ने तस्वीरें एक तरफ रखते हुए कहा। मेरी भी ऐसी राय है, वो दोनों फोटोग्राफिक लैब से बाहर आए थे, वो सो रही थी इंतहाई गहरी नींद में, जबकि जान इसके पास बैठा था, इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। 3 दिन के बाद देख रहा हूँ तुम्हें, देखो क्या हाल हो गया तुम्हारे दीवाने का, मैंने कहा था सुबह तुमसे मिलूंगा लेकिन तैयार ने कहा रात को इसी हालत में रह गए तुम मर जाओगे, बस मौत के डर से भागा चला, अभी तुम मिली हो और तुम्हें भी तो महसूस किया तुम्हें तुम्हारे साथ जिए बिना नहीं मरना चाहता, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा था कि अब तुम्हें नहीं देखा तो मर जाऊँगा। क्यों हो तुम इतनी प्यारी, हाँ मेरा दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बिना जाना, अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो मैं कैसे काम करूँगा, और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो गंदे लोग सब कुछ तबाह कर देंगे और ये कानून पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे, तुम्हें पता है टायर मेरा दोस्त मेरी जान, ऐसी एक
कानून के मुहाफिज ने मेरे इस दोस्त को मौत के दौराए पर खड़ा कर दिया। तुम्हें पता है वह कैसे तड़पता था, सारी सारी रात रोता रहा। इस रात को याद करके वो पल पल मरता रहा, लेकिन मैं अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने भी इसका वही हाल किया जिसका वह हकदार था। तुम्हें पता है इस दिन टायर कितना नाचा, खुशी से बिल्कुल पागल हो गया था। जेल में गुजरा वक्त बहुत बुरा था, जाना बहुत बुरा। जब भी वक्त याद आता है ना तो बिछड़ा हुआ दोस्त याद आता है। पता नहीं वो आज कहाँ होगा, जहाँ भी होगा बहुत खुश होगा। ओह मैं कैसी बातें लेकर बैठ गया, मैं तो तुम्हें देखने आया था, तुमसे अपने दिल की बातें करने आया था, तुम्हें अपने दिल का हाथ सुनाया था। ये 3 दिन मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे हैं। इसके हाथों को अपने हाथों में लेता वो लबों से लगाकर एक बार फिर इसके चेहरे के नकूश में खो सके, जबकि अपने आप को शायद नींद में भी महफूज थे, सब महसूस करके गहरी नींद में थी। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी सेकंड एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड, पर रहकर जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी, और भरपूर से रिस्पॉन्स दें जी। अल्लाह हाफिज़।